Okay, guys, good evening, good evening, good evening, everybody. Very good evening, all of you. सभी देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, मित्रों, सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग. उम्मीद करता हूं सभी लोग एकदम बढ़िया है, जोरदार है, तूफानी है, ताबड़तोड़ है, छा रहे हैं, मचा रहे हैं. सबकी लाइफ एकदम जोरदार चालू है, किसी की भी लाइफ में कोई भी चीज की दिक्कत नहीं, कमी नहीं. सबकी पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है. आप सभी को वेरी 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 गुड इवनिंग गाइस. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड, डूइंग गुड, डूइंग गुड, डूइंग गुड, डूइंग गुड. यस यस यस. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. शुभ संध्या काल, शुभ संध्या काल सभी को, शुभ संध्या काल. गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ओके, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड गाइस, आई एम गुड. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. जस्ट अ लिटिल लो ऑन एनर्जी राइट नाउ, जस्ट अ लिटिल लो ऑन एनर्जी, दैट्स इट. लो ऑन एनर्जी, हाई ऑन इमोशंस, दैट्स द थिंग. आई वोंट से एग्जैक्टली लो ऑन एनर्जी बट हाई ऑन इमोशंस. I was just watching the tribute video of Mohit sir. तो इसलिए भी मैं क्लास में थोड़ा 5-7 minutes late आया, because I wholeheartedly wanted to watch it. एक 5 minutes वो video को मैं देख के आया, तो it just gives a flashback of all the conversations you had with Mohit sir and everything. तो like I said, वो कल भी तेजस भाई कैसे हो, वो इट्स क्वाइट टफ टू गेट ओवर इट, इट्स क्वाइट टफ टू गेट ओवर इट. तो मुश्किल हो जाता है कभी कभी कि वैसे सिचुएशन में क्लासेस लेना है एंड एवरीथिंग. तो वैसा इसलिए इट्स जस्ट दैट कि क्लास स्टार्ट करते हुए वो एकदम हाई ऑन एनर्जी वाला आज को आपको फील नहीं आ रहा होगा. इट्स जस्ट बिकॉज कि इट्स वो जब फ्लैशबैक में दिमाग चलता है ना, तो इट गेट्स अ लिटिल टफ, इट गेट्स अ लिटिल टफ. तो जितने कन्वर्सेशंस थे, जो उनके साथ फर्स्ट कन्वर्सेशन था, उनके साथ फर्स्ट कन्वर्सेशन वॉज वेरी स्पेशल टू मी, बिकॉज दैट वॉज अ टाइम आई वॉज रियली लो, फीलिंग रियली लो एट अन अकेडमी. लो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स का मेरे को तब नया नया प्यार मिल रहा था अन अकेडमी में. आप लोग की नई नई ये एक गुड विशेज मिल रही थी कि हाँ तेजस सर अच्छा पढ़ाते हैं एवरीथिंग, तो सर फिर लो क्यों लग रहा था आपको? उस कारण से मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का बैकक्लैश आ रहा था. एट दैट टाइम आई वॉज अ न्यू फैकल्टी ओवर ईयर, तो जैसे ही मैं यहाँ पे अमंग्स द स्टूडेंट्स थोड़ा मेरा नाम बनने लग गया, तो अमंग्स अदर पीपल मेरे को थोड़ा बैकक्लैश आने लग गया, क्योंकि अंडरस्टैंडेबली सो कि एक नया कोई फैकल्टी ग्रो हो रहा है तो किसी किसी को उससे दिक्कत हो सकती है. तो एट दैट टाइम मोहित सर वॉज एट एन अकेडमी एंड उन्होंने एक वो हमारी मीटिंग वगैरह हुई थी, उन्होंने उसमें देखा कि तब मोहित सर ने मेरा एक आध लेक्चर देखा होगा, और वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का था, जो ASPL है ना. उस दिन मेरे को याद है, जिस दिन मोहित सर का कॉल आया था उस दिन ASPL स्टार्ट किए थे. वो मेरा फर्स्ट या सेकेंड बैच था ASPL का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसका फर्स्ट सेशन था. तो तब कुछ उसमें 110-120 बच्चे आए थे, और वो सेशन लिया, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था कि यार स्टूडेंट्स को पसंद आए आ रहा है एंड एवरीथिंग. एंड उस दिन फिर इवनिंग में एक मीटिंग हुई, मीटिंग में द मीटिंग डिडंट गो वेरी वेल फॉर मी, और मोहित सर भी उस मीटिंग में थे, फैकल्टीज वगैरह सब थे. तो मोहित सर ने वो मीटिंग के बाद मुझे कॉल किए थे एंड ही वॉज लाइक कि तेजस भाई मतलब क्या सिनारियो है यहाँ का मुझे बताइए, क्योंकि मैंने आज का आपका सेशन देखा, मुझे आपकी एनर्जी बहुत पसंद आई, आपका डिलीवरी बहुत अच्छा है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है. एंड मोहित सर ऑलवेज यूज टू प्रेज माय कंटेंट, वो हमेशा बोलते थे तेजस भाई आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, मुझे आपका कंटेंट बहुत पसंद आता है, आपकी डिलीवरी बहुत पसंद आती है. तो तब फिर मोहित सर ने फर्स्ट टाइम मेरे को पूछे थे, तो मैंने मोहित सर को ये सिनारियो तब बताया था कि मोहित सर देखो ऐसा ऐसा है कि स्टूडेंट्स में अब नया नया थोड़ा नाम होने लगा है एंड मे बी सम पीपल आर नॉट लाइकिंग इट, तो मौका मिले तो नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं वैसा.
एंड मोहित सर ने तब वो चीज़ बोले थे कि तेजस भाई ये चीज़ याद रखना कि जितना तुम ऊपर जाने की कोशिश करोगे उतना तुम्हारा पैर नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, तुम खाली अपना आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, तुम उतना ऊपर बढ़ो कि लोग जो तुम्हारा पैर पकड़ते हो वो भी तुम्हारे साथ साथ ऊपर आ जाए तो उनकी भी सोच थोड़ी बड़ी हो जाएगी। वो मेरे को बड़ा जमा था यार, बड़ा जमा था। और उन्होंने बोला कुछ भी लगे कभी कुछ भी दिक्कत हो तो मेरे को बिल्कुल कॉल करना, मेरे साथ बिल्कुल रहना बेझिझक, मेरे से ये चीज़ करना, कन्वर्सेशन करना, कोई भी चीज़ की कभी चिंता मत करना। दैट वॉज द फर्स्ट कन्वर्सेशन आई हैड। और मैंने तब मोहित सर को ये भी बोला था, मैं बोला मोहित सर, और वो तब करीबन एक आध महीना अन अकेडमी में रह चुके थे, तो मैंने मोहित सर को ये चीज़ बोला था कि मोहित सर आपसे कभी मेरी बात होगी और बात भी इतने अच्छे से होगी और इतने फ्रीली होगी, मुझे कभी लगा नहीं था। तो मोहित सर ने कहा हाँ, वो जनरली बोले बोले गलती मेरी है कि बीइंग द सीनियर फैकल्टीज मैंने आप सबको कॉल करना चाहिए। मैंने बोला सर आप सीनियर फैकल्टी हो आप क्यों कॉल करोगे? बोले इसी कारण से क्योंकि फिर जूनियर फैकल्टीज को लगता है, जो नई फैकल्टीज है उनको लगता है कि हम अप्रोच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बोले आप जैसे आज मैंने तुम्हारे साथ एक बात की तो तुम फिर बाकी फैकल्टीज को भी बताओगे कि मोहित सर इज अप्रोचेबल, तो बोले वैसे जूनियर फैकल्टीज के साथ बात करना चाहिए। एंड आई फेल्ट सो गुड दैट डे कि मोहित सर के साथ बात हुई, इतने अच्छे से बात हुई, इतने ओपनली बात हुई, एंड देर वॉज अ पर्सन टू शो दैट सपोर्ट कि टेंशन लेने का नहीं वैसा। तो अभी बस उन्हीं का वो ट्रिब्यूट वीडियो देख रहा था तो उसमें इट वॉज लाइक ऑल द फ्लैशबैक्स एंड एवरीथिंग। तो मेरे को और मतलब वो वीडियो छोड़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी बट क्लास का टाइम था तो उस लाइक चलो क्लास लेते हैं। ओके चलिए, हाँ वैसा है। सो लेट्स स्टार्ट विथ लेक्चर नंबर 2। मोहित सर वी ऑल लव यू एंड दिस मिनी मैराथन सीरीज वी डेडिकेट इट टू यू। वी ऑल लव यू अनकंडीशनली सर एंड यू आर एन इंस्पिरेशन एंड आई टोटली लुक फॉरवर्ड टू अचीव वॉट एवर, टू रीच द हाइट्स, टू अचीव वॉट एवर यू वर एज अ टीचर, वॉट यू डिड फॉर स्टूडेंट्स, एंड दैट विल फॉर एवर बी समथिंग आई लुक फॉरवर्ड टू। ब्रांच अकाउंट्स लेक्चर 2 ऑफ मिनी मैराथन्स। आज मैंने आपको क्या चीज़ बोला था सर? आज आपने बोला था क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम क्या चीज करने वाले थे? क्वेश्चन नंबर 7 में हम जो चीज करने वाले थे वो थी हमारी स्टॉक डेटर मेथड। स्टॉक डेटर मेथड कल हमने पूरा पढ़े थे। स्टॉक डेटर मेथड जब हमने कल पूरा पढ़े थे तो उसमें क्या चीज हमने किए थे सर? उसके पूरे लॉजिक्स पढ़े थे कि उसकी अकाउंटिंग कौन करता है। उसका अकाउंटिंग करता है हेड ऑफिस। हेड ऑफिस उसकी अकाउंटिंग करता है तो किसके बुक्स में करता है हेड ऑफिस उसकी अकाउंटिंग? खुद के बुक्स में करता है। किसकी ब्रांच की अकाउंटिंग वो खुद के बुक्स में करता है। अब जब वो ब्रांच की अकाउंटिंग खुद के बुक्स में करता है तो ब्रांच की अकाउंटिंग वो खुद के बुक्स में करते वक्त क्या चीज करता है? वो ब्रांच के जितने रिक्वायर्ड लेजर अकाउंट से सारे के सारे ओपन करता है। उसमें ब्रांच के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है बट वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते वक्त ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करता है। मतलब ब्रांच के डेटर्स, ब्रांच का कैश, ब्रांच के खर्चे, ब्रांच की इनकम, वैसा सब वो उसमें लिखता है। वो खुद की इनकम नहीं मानता है, उसको ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखता है बट खुद के बुक्स में लिखता है। ये मुद्दा था? यस सर, ये उसमें मुद्दा था। और उसके बाद फिर क्या चीज थी? उसके बाद फिर यहाँ पे हमने उस पर एक क्वेश्चन भी किए थे कि यहाँ पे कौन सा वाला क्वेश्चन किए थे? इलस्ट्रेशन नंबर 3A हैरिसन ऑफ चेन्नई वाला किए थे। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं आज की क्लास में आपको एक और क्वेश्चन उस पर कराऊंगा जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ ICAI स्टडी मटीरियल, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में हम इस पर करने वाले थे। यस सर, यह आपने बोला था कल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 7 से। ये पेज नंबर रहेगा हमारा 13.82 ऑफ द स्टडी मटेरियल। 13.82 ऑफ द स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग करेंगे स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 7। आते क्वेश्चन नंबर 7 पे। आ जाइए आ जाइए आ जाइए सभी लोग। ओके, कितने आवर्स की क्लास होगी बेटा? जब तक आज का सिलेबस खत्म नहीं होगा तब तक चलती रहेगी। अभी एग्जाम के दिन है तो अभी हम आवर्स नहीं गिनते, अभी हम केवल सिलेबस पे फोकस करते हैं। सो देर इज नो 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 कॉन्सेप्ट ऑफ आवर्स। 1, 2, 3 जितना चलेगा चलेगा, ठीक है? चलो तो आते क्वेश्चन नंबर 7 पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे बोल रहे हैं मेसर्स मरेना दिल्ली हैज अ ब्रांच एट बैंगलोर टू विच ऑफिस।
to which office goods are invoiced at cost plus 25%. तो cost plus 25% पे goods यहाँ पे क्या करते थे? Goods यहाँ पे invoice करते थे. Branch sells both cash and on credit. तो branch क्या करता है? Cash sale भी करता है और credit sale भी करता है. Branch expenses are paid direct from head office and the branch has to remit all cash received into the head office bank account. तो यहाँ पे क्या है? Branch expenses आर पेड डायरेक्ट फ्रॉम एच ओ. तो ब्रांच के एक्सपेंसिस कौन पे कर रहा है? डायरेक्टली एच ओ पे कर रहा है. एंड ब्रांच हैज टू रेमिट ऑल कैश रिसीव्ड इन टू द हेड ऑफिस ब्रांच हेड ऑफिस बैंक अकाउंट. मतलब ब्रांच के एक्सपेंसिस भी पूरे के पूरे हेड ऑफिस इनकर करता है और ब्रांच के पास जो भी कैश आती है राइट वो क्या करेगा? हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में उसको रेमिट कर देगा. मतलब हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में तुरंत के तुरंत वो ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या चीज है? उसके बाद क्या चीज है? फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द कैलेंडर ईयर 2021 प्रिपेयर द अकाउंट्स इन द एचओ लेजर. हमने क्या करना है? एचओ लेजर में अकाउंट्स बनाना है एंड असर्टेन द ब्रांच प्रॉफिट अंडर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड. असर्टेन व्हाट द ब्रांच प्रॉफिट अंडर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, ये हमने यहां पे निकालना है. Branch does not maintain any books of account but sends weekly return to the HO. तो branch क्या करता है? खुद की accounting नहीं करता है. इन्होंने वैसे भी बोल दिया stock and debtors method से आपको head office के books में accounting करनी है. उसका मतलब branch खुद की accounting करता नहीं है. अब branch ने जो अपना weekly return यहाँ पे भेजा है उसमें क्या क्या चीज है? सबसे पहले goods received from HO at invoice price. तो HO से invoice price पे जो goods received है वो रहेगा 45 lakhs. Returns to HO at invoice price 90,000. Stock at Bangalore as on 1st January 21, 4,50,000. Sales during the year, उसमें cash sale and credit sale दो चीज है. Sundry debtors at Bangalore as on 1st January 21, 5,40,000. उसके बाद cash received from debtors 24 lakh. Discount allowed to debtors इतना. Bad debts in the year 30,000. Sale returns at Bangalore branch इतना. Rent rates and taxes at the branch itna, salaries, wages and bonus at branch itna, office expenses 45,000, stock at branch on 1st December 2021 at invoice price 9 lakhs. तो ये चीज़ यहाँ पे हमें दी हुई है किसके बारे में? Bangalore branch के बारे में. इसके बेसिस पे हमने क्या करना है? हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच के सारे अकाउंट्स बनाने हैं. कौन सी मेथड के अंदर हमने ये सारे अकाउंट्स बनाने हैं? स्टॉक डेटर मेथड के अंदर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके साथ. स्टॉक डेटर मेथड से ये हम यहां पे बनाएंगे. एचओ की बुक्स में सारी अकाउंटिंग करेंगे. कौन सी मेथड से करेंगे? स्टॉक डेटर मेथड से. ठीक है, स्टार्ट किया जाए. ओके सर, स्टार्ट करते हैं. ओके चलिए, एडवांस्ड अकाउंट्स की मैराथन कब होगी बेटा? उसका अनाउंसमेंट आपको ये चैनल पे मिल जाएगा. थोड़ा बस वेट कीजिए, उसके लिए आपको मैं अनाउंसमेंट सही समय पर दे दूंगा. एक आएगा यहाँ पे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एक गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट, एक ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा, फिर ब्रांच का डेटर्स अकाउंट आएगा. ब्रांच का डेटर्स अकाउंट के बाद और क्या अकाउंट आएगा? ब्रांच के डेटर्स के बाद फिर और जो अकाउंट हमारा आएगा, ब्रांच कैश नहीं क्योंकि ब्रांच तो एचओ को कैश रिमिट करता है तो वो बनाने की जरूरत नहीं. ब्रांच डेटर्स के बाद ब्रांच पीएनएल अकाउंट, ये भी यहाँ पे आएगा. यस सर, ये भी अकाउंट आएगा और बाकी फिर देख लेंगे और अगर कोई अकाउंट की जरूरत रही तो. ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 आईसीआई स्टडी मटेरियल. तो यहां पे पहले लिख देता हूं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ आईसीएआई स्टडी मटेरियल. ओके चलिए, आईसीआई स्टडी मटेरियल क्वेश्चन 7 किसकी बुक्स में हम कर रहे हैं? हम यहां पे ये चीज कर रहे हैं, हेड ऑफिस बुक्स. तो यहां पे लिख दिया एचओ बुक्स. एचओ बुक्स में ब्रांच की अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल सर. तो ब्रांच की कौन सी अकाउंटिंग? सबसे पहले जो अकाउंटिंग यहां पे कर रहे हैं दैट इज ब्रांच स्टॉक अकाउंट. फिर यहां पे आएगा ब्रांच गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, GSTB अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच के बाद फिर यहां पे आएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट के बाद फिर क्या चीज थी? ब्रांच एडजस्टमेंट के बाद फिर यहाँ पे ब्रांच डेटर्स अकाउंट.
ब्रांच डेटा, उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा ब्रांच पीएनएल अकाउंट। सर ब्रांच कैश अकाउंट क्यों नहीं बना रहे? बेटा सिंपल सा कारण है कि ब्रांच अपनी जो भी कैश है वो हेड ऑफिस को रेमिट कर देता है, हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में। तो ब्रांच कैश की जगह मैं डायरेक्टली क्या इफेक्ट करूंगा, ब्रांच के पास कुछ भी कैश आता है तो उसको मैं मानूंगा डायरेक्टली हेड ऑफिस को वो चले गया हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में, इसलिए फिर यहाँ पे ब्रांच कैश का कोई भी इफेक्ट मैं दूंगा नहीं। चलो तो अब इसमें क्या चीज है, अब जो यहाँ पे है एक एक करके हमने सारे ट्रांजैक्शंस लिखने। अब ट्रांजैक्शंस भी लिखूं उसके पहले क्या है, यहाँ पे जो इनवॉइस प्राइस पे जाता है दैट इज कॉस्ट प्लस 25%, तो इसका भी मैं एक इक्वेशन बना के रखता हूं क्योंकि ये इक्वेशन भी मुझे काम आएगा यहाँ पे। तो ये कॉस्ट प्लस 25% यहाँ पे ले लेता हूं, ये कॉस्ट लोडिंग और फिर इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट लोडिंग इनवॉइस प्राइस। तो कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है हमारा 100, लोडिंग है इसमें 25, इनवॉइस प्राइस है इसमें 125, कॉस्ट लोडिंग और ये इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो ये चीज हमारी हो जाती है। नेक्स्ट चीज इसके बाद क्या है, क्या क्या चीज कहते हैं, ब्रांच सेल्स गुड्स फॉर बोथ कैश एंड क्रेडिट। तो हमने ये देखना चाहिए ब्रांच की जो सेल्स होगी वो कैश में भी होनी चाहिए क्रेडिट में भी, तो ये दोनों पॉइंट हमारे कवर होने चाहिए ट्रांजैक्शन में। ब्रांच के जो एक्सपेंसेस है वो कौन मीट करेगा, पेड डायरेक्टली फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है। तो वो पूरे हेड ऑफिस के अकाउंट से जाएंगे, हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट से पूरा जाएंगे, और ब्रांच की जो कैश है वो पूरी हेड ऑफिस को रेमिट हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स को हमने दिमाग में रखना है। अब सबसे पहली चीज, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ एट इनवॉइस प्राइस, ब्रांच को जो गुड्स रिसीव हुए हेड ऑफिस से इनवॉइस प्राइस पे 45 लाख। अब सर इसकी एंट्री क्या होगी, तो ये 45 लाख काय पे है, सर ये 45 लाख जो है ना दिस इज एट द इनवॉइस प्राइस, मतलब 45 लाख किसके बराबर है, सर ये 45 लाख हमारा 125 के बराबर है, किसके बराबर है 125 के बराबर। तो सर अब इसमें से हम निकालेंगे कॉस्ट कितना, तो 45 लाख इनटू 100 डिवाइडेड बाय 125, ये सर कॉस्ट इसमें आ जाएगी 36 लाख, और ये कितना आ जाएगा लोडिंग मेरा यहां पे आ जाएगा 9 लाख, ठीक है सर। तो अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, सर ये गुड्स किसके पास आए हैं, ब्रांच के पास, ब्रांच के पास आए तो ब्रांच के ट्रेडिंग में डेबिट, जिसको हम बोलते हैं ब्रांच स्टॉक। ब्रांच के लिए ये गुड्स 45 लाख के थे तो यहाँ पे 45 लाख से डेबिट, ये किसके पास से गए हेड ऑफिस के पास से, तो हेड ऑफिस के ट्रेडिंग को क्रेडिट करेंगे। हेड ऑफिस के लिए ये गुड्स कितने के थे, सर हेड ऑफिस के लिए ये गुड्स थे हमारे 36 लाख रुपए के, तो 36 लाख से यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको और क्रेडिट करेंगे, क्या चीज को, हम यहाँ पे सर जो हेड ऑफिस ने नकली एक प्रॉफिट चार्ज किया था वो ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा 9 लाख रुपए से। तो सर अब इसका इफेक्ट मेरा कहां पे आएगा, ब्रांच स्टॉक में, सर ये चीज मेरी हो जानी चाहिए डेबिट 45 लाख से, तो ब्रांच स्टॉक में सबसे पहले मैं डेबिट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा टू गुड्स सेंट टू अ ब्रांच, कितना ये हो जाएगा 36 लाख, और यहां पे क्या चीज होगा सर, यहां पे आएगा टू ब्रांच एडजस्टमेंट। ब्रांच एडजस्टमेंट में कितना आएगा 9 लाख रुपए यहां पे आएगा, ठीक है। गुड्स सेंट टू ब्रांच में क्या चीज होगी, गुड्स सेंट टू ब्रांच में यहां पे हो जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक, बाय ब्रांच स्टॉक, बाय ब्रांच स्टॉक कितना होगा, ये होगा मेरा 36 लाख, और फिर क्या होगा ब्रांच एडजस्टमेंट में यहां पे आएगा बाय ब्रांच स्टॉक 9 लाख, ठीक है सर। ये मेरी पहली एंट्री हो गई, यस सर, डबल इफेक्ट इसका कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सही बात। उसके बाद नेक्स्ट चीज अब क्या है, रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, ब्रांच ने एचओ को रिटर्न किया, एचओ के पास गुड्स आए, एचओ के ट्रेडिंग में डेबिट, ब्रांच के पास से गुड्स गए तो उनके ट्रेडिंग में क्रेडिट, और सर ये गुड्स रिटर्न आए तो वो जो लोडिंग पहले रिकॉग्नाइज किया था वो भी अब रिवर्स होगा, तो वो लोडिंग को डेबिट करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट्स में। इनवॉइस प्राइस पे ये गुड्स 90,000 के है, तो 90,000 अगर इनवॉइस प्राइस है तो ये यहां पे लिखेंगे 90,000 इक्वल्स टू 125, तो 100 कितना 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, ये यहां पे होगा 72,000 की कॉस्ट, ये यहां पे हो जाएगा 18,000, ठीक है सर। ये चीज यहां पे हो गई। अब सर इसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे, इसकी एंट्री रहेगी हेड ऑफिस के पास गुड्स आए, हेड ऑफिस की ट्रेडिंग में डेबिट, जिसको हम गुड्स सेंड टू ब्रांच बोलते हैं, तो ये ट्रेडिंग में हो जाएगा डेबिट कितने से, हेड ऑफिस के लिए ये गुड्स 72,000 के है, कहां पे क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट होगा टू ब्रांच, टू ब्रांच स्टॉक, ब्रांच के ट्रेडिंग में, ब्रांच के पास से गुड्स गए उनके पास से 90,000 के गए, और 18,000 का जो प्रॉफिट था नकली वाला वो ब्रांच एडजस्टमेंट में हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे 18,000। ये चीज सभी को क्लियर, एवरीबडी क्लियर विद दिस, ठीक है। तो ये एंट्री अब करते हैं, ब्रांच स्टॉक में सबसे पहले क्रेडिट करेंगे बाय
गुड्स सेंट टू अ ब्रांच 72,000, गुड्स सेंट टू ब्रांच 72,000, और ये हो जाएगा 18,000 क्या, ये 18,000 यहां पे हो जाएगा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। ये चीज सभी को क्लियर, ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, इसके बाद जो अगली चीज यहां पे रहेगी ब्रांच एडजस्टमेंट में और गुड्स सेंट टू ब्रांच में, हमने डेबिट करना है। गुड्स सेंट टू ब्रांच में यहां पे आएगा टू ब्रांच स्टॉक, ये कितना होगा सर, टू ब्रांच स्टॉक यहां पे हो जाएगा मेरा, कितना था गुड्स सेंट टू ब्रांच 72,000, और फिर ब्रांच एडजस्टमेंट में आएगा टू ब्रांच स्टॉक 18,000, टू ब्रांच स्टॉक 18,000। ये चीज सभी के दिमाग में क्रिस्टल क्लैरिटी से गया, ओके। नेक्स्ट चीज इसके बाद क्या है, स्टॉक एट बैंगलोर ऑन 1st January 2021, तो ओपनिंग स्टॉक दिया है 1st January 2021 को 4,50,000। सर ये 4,50,000 कुछ बोला नहीं है, तो मैं इनवॉइस प्राइस पर ही लेके चलता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में बाकी सारी चीजें भी इन्होंने इनवॉइस प्राइस पे दी थी, तो इसको भी इनवॉइस प्राइस पे लेंगे, इस 4,50,000 को, इस 4,50,000 को इनवॉइस प्राइस पे लेते हैं। तो यहां पे क्या चीज होगा, ये 4,50,000 मेरा यहां पे आएगा 125 के बराबर, ठीक है। तो इसमें सर ये 25 कितना और 100 कितना, तो 4,50,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 125, ये होता है सर 3,60,000, बिल्कुल सही बात। और सर इसमें लोडिंग कितना हो जाएगा, तो लोडिंग इसमें हो जाएगा 90,000 रुपीज का, है ना, यस सर, लोडिंग हो गया 90,000 रुपीज का। तो सर अब ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक को मैं यहां पे ब्रांच स्टॉक में दिखा दूंगा 4,50,000 पे ओपनिंग स्टॉक, और सर ओपनिंग स्टॉक मेरा इनवॉइस प्राइस पे था, तो इसमें क्या चीज थी, इसमें लोडिंग था, वो लोडिंग का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा यहां पे कितना सर, ये 90,000 का यहां पे लोडिंग का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। ये चीज सभी को क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट चीज अब इसके बाद क्या है, इसके बाद फिर बोलते हैं सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, ब्रांच की सेल्स। सबसे पहले कैश सेल्स 15,00,000 रुपीज की, कैश सेल्स हुई है 15,00,000 रुपीज की। ये स्क्रीन को क्या हो रहा है, स्क्रीन क्यों अटक रही है वापस, ठीक है देख लेंगे, पूरी अगर अटक गई, ये जो यहां पे ऐसा कुछ कुछ डिस्टर्बेंस दिख रहा है वो पूरा अटक गया, तो वापस उसको रिफ्रेश करूंगा। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 15,00,000 की दिख रही है, कैश सेल्स है, तो ब्रांच ने कैश सेल्स की, तो यहां पे ब्रांच के पास से गुड्स गए, तो ब्रांच के ट्रेडिंग में क्रेडिट, मतलब ब्रांच स्टॉक में क्रेडिट, और ब्रांच को इसके बदले में कैश मिलेगा। तो वैसे तो ब्रांच कैश डेबिट होना चाहिए था, बट क्वेश्चन में बोला था ब्रांच क्या करेगा, रेमिट ऑल कैश टू द एचओ बैंक अकाउंट, तो यहां पे मैं एंट्री पास कर दूंगा एचओ बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, ब्रांच स्टॉक में यहां पे क्रेडिट करेंगे और लिखेंगे बाय HO बैंक अकाउंट। ये कितना है जो कैश सेल हुआ है, 15,00,000 रुपए का हुआ है, दिस इज 15,00,000 रुपीज, यस सर, ये हमारा कितना हो गया 15,00,000 रुपए। ये चीज सभी के दिमाग में बात गई, बिल्कुल सर। HO का बैंक अकाउंट हमने बनाया नहीं है, इसलिए इसका सेकेंड इफेक्ट हम देंगे नहीं। अगली चीज मेरी इसके बाद क्या होगी, क्रेडिट सेल 27,00,000, ब्रांच ने अपने डेटर्स को सेल किया, ब्रांच के पास से गुड्स गए, तो ब्रांच के ट्रेडिंग में क्रेडिट, और उनके डेटर्स से रिसीवेबल बढ़ गया, तो उनके डेटर्स को डेबिट। तो यहां पे इनके ट्रेडिंग में पहले तो क्रेडिट करता हूं, यहां पे लिखूंगा बाय ब्रांच डेटर्स, बाय ब्रांच डेटर्स। ये कितना होगा सर, यहां पे ये हो जाएगा यहां पे 27,00,000 रुपए, ठीक है सर। ये चीज मेरी यहां पे 27,00,000 हो गई ब्रांच डेटर्स, ये यहां पे ब्रांच डेटर्स के डेबिट में लिखूंगा 27,00,000 रुपए टू ब्रांच स्टॉक, ये इनको क्रेडिट सेल्स हो गई टू ब्रांच स्टॉक, ठीक है सर। इसके बाद अगली चीज क्या आती है, सन्ड्री डेटर्स एट बैंगलोर एज ऑन 1st January 2021, तो 1st January 2021 को सन्ड्री डेटर्स बैंगलोर में ओपनिंग बैलेंस 5,40,000 के थे, तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है 5,40,000 रुपीज, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,40,000। उसके बाद क्या चीज थी,
उसके बाद अगली चीज पे आता हूं, तो यहां पे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कितना कैश रिसीव किया है सर, 24 लाख रुपए का। अब डेटर्स से जो 24 लाख का कैश रिसीव किया है, डेटर्स से पैसा आया ब्रांच को, ब्रांच को पैसा आया तो ब्रांच का पैसा बढ़ा ब्रांच कैश डेबिट, और डेटर्स से रिसीवेबल कम हुआ तो डेटर्स को करेंगे क्रेडिट, ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर्स। बट ब्रांच की कैश इमीडिएटली हेड ऑफिस को रेमिट होती थी, तो एंट्री क्या बन गई, एंट्री सर यहां पे बन जाएगी एचओ बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, एचओ बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो ब्रांच के डेटर्स में मैं करूंगा क्रेडिट कितने से, 24 लाख रुपए से, यहां पे 24 लाख और यहां पे लिखेंगे बाय एचओ बैंक अकाउंट। ये चीज गया सभी के दिमाग में, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, यस। नेक्स्ट चीज इसके बाद अब क्या कहते हैं, अगली चीज बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। ब्रांच ने अपने डेटर्स को डिस्काउंट दिया है, ब्रांच ने अपने डेटर्स को डिस्काउंट दिया तो ये ब्रांच का खर्चा ब्रांच के पीएनएल में डेबिट होगा और उनके डेटर्स से अब इतना अमाउंट कम मिलेगा, तो ब्रांच पीएनएल टू ब्रांच डेटर्स 45,000, तो ब्रांच पीएनएल में पहले यहां पे डेबिट करेंगे, यहां पे लिखेंगे टू ब्रांच डेटर्स, ये कितना होगा 45,000, ब्रांच डेटर्स में क्रेडिट करेंगे, यहां पे लिखेंगे बाय ब्रांच पीएनएल 45,000, ठीक है, डन सर। नेक्स्ट चीज इसके बाद क्या है, बैड डेट्स इन द ईयर, ब्रांच के डेटर्स ने पैसे डुबा दिए 30,000 रुपए, ब्रांच के डेटर्स ने अगर 30,000 रुपए पैसे डुबा दिए हैं तो ये अब किसका नुकसान, ब्रांच का नुकसान, ब्रांच का नुकसान है तो क्या करेंगे, ब्रांच के पीएनएल में ये कर देंगे डेबिट, ब्रांच के पीएनएल में डेबिट और उनके डेटर्स से अब कम मिलेगा तो ब्रांच के डेटर्स को क्रेडिट, 30,000 की एंट्री वापस वही होगी, ब्रांच पीएनएल में डेबिट, यहां पे लिखेंगे टू ब्रांच डेटर्स 30,000 रुपीज, ब्रांच डेटर्स में क्रेडिट कर देंगे बाय ब्रांच पीएनएल 30,000 रुपीज। ये चीज सभी को क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, यस 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 यस। सर आप एफएम भी पढ़ाओ ना, अरे बेटा अकाउंट्स पूरा पढ़ाने का टाइम बच नहीं रहा है मेरे पास, एफएम कहां से पढ़ा दूं, है बहुत अच्छा सब्जेक्ट, मजा आता है मेरे को वो पढ़ाने में, पर टाइम नहीं है। सेल्स रिटर्न एट बैंगलोर ब्रांच, तो बैंगलोर ब्रांच में अब क्या है, सेल्स रिटर्न, बैंगलोर ब्रांच में सेल्स रिटर्न 60,000 का है, तो अब बताइए ये क्या चीज होगी, सेल्स रिटर्न एट बैंगलोर ब्रांच 60,000, बैंगलोर ब्रांच में सेल्स रिटर्न है मतलब बैंगलोर ब्रांच ने अपने डेटर्स को सेल किया होगा, वो डेटर ने बैंगलोर ब्रांच को रिटर्न किया है, बैंगलोर ब्रांच के पास गुड्स आए तो जिसके भी पास गुड्स आते हैं उसके ट्रेडिंग में डेबिट होता है और उनके डेटर्स से गुड्स रिटर्न आ गए तो डेटर्स से रिसीवेबल कम हो गया तो ब्रांच डेटर्स को क्रेडिट, ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर्स 60,000 रुपीज आएगा, तो ब्रांच डेटर्स में यहां पर क्रेडिट कर देते 60,000 से बाय ब्रांच स्टॉक, टू ब्रांच डेटर्स। उसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एट द ब्रांच 1,35,000, ब्रांच में ये लोग बोलते हैं रेंट्स रेट्स एंड टैक्सेस कितने 1,35,000 के, तो यहां पे जो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है 1,35,000 के, उसकी क्या एंट्री होगी मुझे बताइए। ये जो रेंट्स रेट्स एंड टैक्सेस ब्रांच के है तो ये ब्रांच का खर्चा, और ब्रांच का खर्चा तो ब्रांच के पीएनएल में डेबिट, ये खर्चा पे कौन करता है, तो इन्होंने क्वेश्चन में दिया था ब्रांच का खर्चा पे करता है हेड ऑफिस, ये ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्ट फ्रॉम द एचओ, तो ब्रांच का जो खर्चा है ब्रांच के पीएनएल में डेबिट होगा और एचओ के बैंक में क्रेडिट होगा 1,35,000 का, तो यहां पे ब्रांच का पीएनएल यहां पे डेबिट करेंगे टू एचओ कैश 1,00,000 एचओ बैंक, सॉरी एचओ बैंक 1,35,000, ठीक है। नेक्स्ट चीज इसके बाद क्या है, सैलरीज वेजेस एंड बोनस एट ब्रांच 4,50,000, सैलरीज वेजेस एंड बोनस एट ब्रांच इन्होंने दिया है 4,50,000, अगेन ब्रांच का खर्चा उनके पीएनएल में डेबिट करो, और ये भी पे कौन करेगा, ये भी पे करेगा एचओ, तो 4,50,000 यहां पे मैंने किया डेबिट और ये एचओ के बैंक अकाउंट से जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट चीज क्या है, इसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस वापस ब्रांच का खर्चा पे करेगा एचओ 45,000, तो ये 45,000 यहां पे आ गया, ये हो गया टू। क्या चीज, एचओ पे करेगा ब्रांच पीएनएल में डेबिट। ओके नेक्स्ट चीज फिर क्या कहते हैं, स्टॉक एट ब्रांच ऑन 31st December 2021 एट इनवॉइस प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 9 लाख रुपीज का। अब सर देखो, ये क्लोजिंग स्टॉक अगर 9 लाख रुपए का दिया है तो ये इनवॉइस प्राइस पे दिया है, तो 9 लाख हो गया सर 125 के बराबर, तो ये 100 कितना है, 9 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, ये हो जाएगा सर 7,20,000 का कॉस्ट, और इस पे सर ये हो जाएगा 1,80,000 का सर लोडिंग। बिल्कुल सही बात, तो ये 7,20,000 का कॉस्ट होगा, 1,80,000 का इस पे क्या हो जाएगा, लोडिंग हो जाएगा। इज दिस क्लियर विथ ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर विथ ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो यहां पे अब क्या चीज होगा सर, ये क्लोजिंग स्टॉक को हम यहां पे लिखेंगे ब्रांच स्टॉक में, ये हो गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक सर, क्लोजिंग स्टॉक यहां पे इनवॉइस प्राइस में आएगा, इनवॉइस प्राइस कितना था 9 लाख रुपए, बिल्कुल सर 9 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक हो गया एट इनवॉइस प्राइस। इसमें सर लोडिंग छुपा हुआ था, ये लोडिंग को मैं कहां पे लिखूंगा, ये लोडिंग को सर मैं ब्रांच एडजस्टमेंट में यहां पे लिखूंगा, 1,80,000 का इसमें लोडिंग था, ठीक है। तो ये हो जाएगा लोडिंग का क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये चीज क्लियर सभी को, ठीक है। नेक्स्ट चीज फिर इसके बाद क्या है सर, अब मेरे ख्याल से सारी चीजें हो चुकी है, तो अब केवल टैली करना बचा है, ठीक है। अब हमने केवल क्या करना है, इसको टैली करना है, तो टैली करना है तो सर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ब्रांच स्टॉक को टैली करते, तो ब्रांच स्टॉक में सर क्रेडिट माइनस डेबिट करके देखते क्या आ रहा है, 72,000 प्लस कितना 18,000 प्लस कितना 15 लाख प्लस 27 लाख प्लस आता है 9 लाख माइनस कितना था 4,50,000 माइनस है 36 लाख, फिर माइनस और कितना है माइनस है 9 लाख माइनस फिर कितना हो जाता है 60,000, तो सर 1,80,000 बचता है। ये 1,80,000 ये क्या है, मैंने आपको बताया था ये सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस है, राइट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट का केवल एक छोटा सा हिस्सा है जो कहां पे जाता है, टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ये ब्रांच एडजस्टमेंट में हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस है, छोटा सा हिस्सा है ये ग्रॉस प्रॉफिट का, तो ये 180 करके यहां पे क्या हो जाता है, ये अकाउंट मेरा खत्म हो गया। 180 को अब मैं क्या करूंगा, ब्रांच एडजस्टमेंट में यहां पे क्रेडिट करूंगा बाय ब्रांच स्टॉक 1,80,000, ठीक है सर। इसके बाद क्या चीज है सर, नेक्स्ट अकाउंट पे आते हैं, गुड सेंट टू ब्रांच का जो है वो कहां पे जाता है, एचओ के ट्रेडिंग अकाउंट में। मैंने बोला था ये एचओ के ट्रेडिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो एचओ के ट्रेडिंग में जाएगा, ये कितना होगा 36 लाख माइनस 72,000, ये हो जाएगा मेरा 35,28,000 एचओ के ट्रेडिंग में इतना चले जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज इसके बाद क्या है, ब्रांच एडजस्टमेंट, तो सर इसमें अब है 90,000 प्लस कितना है 9 लाख प्लस कितना है 1,80,000 माइनस 18,000 माइनस 1,80,000, तो ये आता है 9,72,000। दिस इज व्हाट, दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच 9,72,000। टू ये कहां पे जाएगा, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये ब्रांच के पीएनएल में जाता है, बैलेंसिंग फिगर यहां पे लिख दो, दिस इज व्हाट, दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है सर। उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद क्या चीज है, नेक्स्ट चीज जो इसके बाद आती है, व्हाट इज दैट सर, अब ये जो ब्रांच पीएनएल में जाएगा वो यहां पे हम क्या करेंगे, उसको यहां पे सर क्रेडिट कर देंगे, यहां पे आएगा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्रांच डेटर्स में आते हैं, तो ब्रांच डेटर्स का बैलेंस निकालेंगे 5,40,000 प्लस 27 लाख माइनस 24 लाख माइनस 45,000 माइनस 30,000 माइनस कितना है 60,000, ये हो जाता है सर कितना 540 प्लस 27 लाख माइनस 24 माइनस 45 माइनस 30 माइनस 60 सर ये 7,05,000 आ रहा है। एक बार ये चेक कर लेना क्या सभी का 7,05,000 आ रहा है, ये डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर,
ठीक है सर, इसको कहाँ लिखना है? कहीं नहीं, ये डेटर्स का बैलेंस है जो कैरीड डाउन होगा, और ब्रांच के पीएनएल से फाइनल ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो कितना है, 972,000 माइनस 45,000 माइनस 30,000 माइनस 135,000 माइनस 450,000 माइनस 45,000, ये होता है 267,000 जो है नेट प्रॉफिट, 267,000 का आया नेट प्रॉफिट। ब्रांच का जो नेट प्रॉफिट है वो कौन टेक ओवर करता है? हेड ऑफिस। तो एचओ के पीएनएल में जाएगा ये एचओ पीएनएल बैलेंसिंग फिगर। ये क्या था? नेट प्रॉफिट ऑफ ब्रांच, ये था नेट प्रॉफिट, यस सर। और इसी के साथ क्या हुआ, हमारी पूरी अकाउंटिंग खत्म हो गई। ठीक है, सभी को समझा अब ये चीज? एवरीबडी क्लियर विद दिस? एवरीबडी क्लियर विद दिस? किसी को इसमें कोई भी डाउट है? किसी को इसमें कोई भी डाउट? Any doubts with anybody? Any doubts? सर लेजर अकाउंट सीक्वेंस बताइए। बेटा कोई सीक्वेंस नहीं है यहाँ पे, सीक्वेंस मैंने इसको कोई ऐसे रटे हुए सीक्वेंस में नहीं बनाया है। लेजर अकाउंट आप कोई भी सीक्वेंस में बनाइए, आप खाली उसमें सिस्टमैटिकली ट्रांजैक्शंस करते जाइए। कल वाला क्वेश्चन इतना अच्छा समझ आ गया था, आज तो एकदम ईजी लग रहा है। बहुत अच्छी बात। सर स्क्रीनशॉट लेने दो, ये लो स्क्रीनशॉट के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने यहाँ से लिया। तो पहले आप एक काम करिए, पहले ये दो अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दो दो करके ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अरे वाह क्या बात है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं सर आप एकदम बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। ये दो अकाउंट के बाद अगले दो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट फिर आप यहाँ पे ब्रांच पीएनएल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर ये हमारी वर्किंग्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट्स हो गए। अब सर हम नेक्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मेथड अब हमारी कौन सी आएगी? नेक्स्ट मेथड विल बी डेटर्स मेथड। सर इंपॉर्टेंट है? अरे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हाँ सर ये तो हमें कठिन भी लगती है। बेटा कठिन बिल्कुल नहीं है, कठिन तो बिल्कुल नहीं है। तो कोई ये तो बोलना ही नहीं कि सर डेटर्स मेथड हमारी कठिन है, बिल्कुल भी नहीं, एकदम आसान मेथड है। ठीक है चलिए, तो डेटर्स मेथड के साथ शुरुआत करते हैं। ये इसको हम थोड़ा सा रंग बिरंगी कर देंगे। ठीक है चलिए, लेट्स स्टार्ट विद डेटर्स मेथड नाउ। लेट्स स्टार्ट। किया जाए? ये हार्ड लगता है बोले। ओके। तो चलो डेटर्स मेथड में अब क्या चीज है सर? अब डेटर्स मेथड, पहले तो पानी पीने दो मेरे को, गला सूख रहा है मेरा, होंठ ड्राई हो रहे हैं मेरे। ठीक है छवि जी, कर दूंगा बिल्कुल, उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। नोट्स अपलोड कर दूंगा मैं टेलीग्राम पे सर, कल के भी कल कर देना। ठीक है मैं दोनों, कल की क्लास आज के क्लास दोनों के कर दूंगा, चिंता का कोई उसमें विषय नहीं है, दोनों के नोट्स हमारे अपलोड हो जाएंगे। ओके सर, एएस कब स्टार्ट होगा? बेटा एएस हमारे स्टार्ट कब के हो चुके हैं, केवल 3 बचे हमारे एएस करने, जिसके मैंने बोला है लेक्चर्स में अपलोड कर दूंगा। लेक्चर्स में आपको बीच में अपलोड कर दूंगा, आपको सारा वो इन्फॉर्म हो जाएगा कब एएस के लेक्चर्स वगैरह अपलोड हो रहे हैं। बट आपके एग्जाम्स की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं आपको सारी चीजें करवा दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहने का आपने। ठीक है मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए बेटा, जो भी आ जाए ना, ये एकदम सिंपल चैप्टर है, एकदम बेसिक चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेटर्स मेथड के साथ। अब जब मैं डेटर्स मेथड की आपसे बात करता हूं, तो डेटर्स मेथड में क्या चीज है? डेटर्स मेथड में यहां पे क्या है, अगेन हमारा कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट ब्रांच वाला ही है। कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है हमारा? डिपेंडेंट ब्रांच वाला।
कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि वो जो ब्रांच है मेरी, जो पूना में ब्रांच है, उसकी अकाउंटिंग कौन कर रहा है? उसकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस ही कर रहा है। उसकी अकाउंटिंग क्या हेड ऑफिस छोड़ के कोई और कर रहा है? उसकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस छोड़ के कोई और नहीं कर रहा है। क्या ब्रांच खुद की अकाउंटिंग स्वयं खुद कर रहा है? तो नहीं, ब्रांच की अकाउंटिंग हेड ऑफिस ही कर रहा है। जब ब्रांच की अकाउंटिंग यहाँ पे हेड ऑफिस कर रहा है तो उसमें क्या चीज है मेरे को बताइए? ब्रांच की अकाउंटिंग हेड ऑफिस कर रहा है तो अब हेड ऑफिस क्या बोलता है? बोले मेरे पास इतना समय नहीं है कि ब्रांच के हर एक लेजर अकाउंट को मैं बनाऊंगा, ब्रांच के हर एक लेजर अकाउंट को बनाने का मेरे पास समय नहीं है, पर ब्रांच की अकाउंटिंग मैंने करना है तो मैं क्या करूंगा, ब्रांच का केवल एक अकाउंट अब मेरी बुक्स में बनाऊंगा। कितने? केवल एक अकाउंट मेरी बुक्स में बनाऊंगा जिसको मैं नाम दे दूंगा ब्रांच अकाउंट। मैं अपनी बुक्स में, हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच की अकाउंटिंग करेगा? हाँ करेगा। क्या वो ब्रांच का अकाउंट बनाएगा? हाँ बनाएगा। बट कितने अकाउंट बनाएगा इस बार? क्या सारे अकाउंट्स बनाएगा? ना, इस बार वो ब्रांच का केवल एक अकाउंट अपनी बुक्स में बनाएगा जिसको नाम क्या देगा, दे देगा, जिसको नाम यहां पर दे देगा डेटर, सॉरी ब्रांच अकाउंट। अब ये जो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ये ब्रांच का एकमात्र सिंगुलर अकाउंट बना रहा है, उसको वो क्या मानेगा? उसको वो यहां पर मानेगा क्या चीज? उसको वो यहां पे मानेगा एक डेटर के जैसा। मतलब क्या सर? मतलब देखिए, ये हेड ऑफिस के बुक्स की मैं बात करता हूं, हेड ऑफिस के बुक्स की। तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में क्या करता है? ये अपनी बुक्स में बनाता है ब्रांच अकाउंट। ये अपनी बुक्स में बनाएगा एक ब्रांच अकाउंट, ठीक है? तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में जो ब्रांच अकाउंट बनाएगा वो एक नॉर्मल अकाउंट जैसा होता है वैसी बनेगा। हाँ सर, वैसी बनेगा। और हेड ऑफिस बोलेगा ये जो ब्रांच है ये अब मेरे लिए क्या हो जाएगा? ये ब्रांच अब मेरे लिए हो जाएगा एक डेटर। ये ब्रांच को मैं कैसे ट्रीट करूंगा? ये ब्रांच को मैं ट्रीट करूंगा जस्ट लाइक आई ट्रीट अ डेटर। अच्छा, ये ब्रांच को आप एक डेटर जैसे ट्रीट करोगे? हाँ सर, इसको हम एक डेटर जैसे ट्रीट करेंगे। सर, ये ब्रांच को हम डेटर जैसे ट्रीट क्यों करेंगे? बेटा देखो, मैं अगर कभी रमेश को सेल करता हूं, मैं कभी महेश को सेल करता हूं, मैं कभी मुकेश को सेल करता हूं, तो ये सबसे क्या होता है? ये सबसे पैसा रिसीवेबल होता है। ये क्या होता है? इन सबसे मेरा पैसा रिसीवेबल होता है। रमेश से, महेश से, मुकेश से, ये जितनों को भी मैं अपने गुड सप्लाई करता हूं ये सबसे रिसीवेबल है, है ना? तो ये सब क्या हो जाते हैं? डेटर। उसी तरह ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच को भी तो मैं अपने गुड्स दे रहा हूं। यस सर, ये ब्रांच को भी आप अपने गुड्स दे रहे हो, तो ये ब्रांच से भी क्या है? आपको पैसा रिसीवेबल है। ये ब्रांच से भी आपको पैसा रिसीवेबल है। अब जब ये ब्रांच से भी हमें पैसा रिसीवेबल है तो इन दैट केस हम क्या करें? इन दैट केस हम ब्रांच को भी क्या मानेंगे? एक डेटर ही तो मानेंगे। यस, तो ब्रांच अकाउंट बनाएंगे और ब्रांच अकाउंट को हम एक डेटर जैसा मानेंगे। अब देखिए यहां पे क्या चीज है। अब ये जो डेटर है ना, ये डेटर से केवल मुझे पैसा रिसीवेबल नहीं है, मुझे पैसे के साथ साथ और कई अन्य असेट्स भी रिसीवेबल है। सर मतलब क्या? अब ये जो ब्रांच था पूना में, मेरी जो ब्रांच थी उससे मैंने गुड्स दिया था तो उससे पैसा तो रिसीवेबल था ही था। सर उससे पैसा रिसीवेबल बिल्कुल था। पैसे के साथ साथ वो मेरा लैंड भी यूज कर रहा था, वो मेरा बिल्डिंग भी यूज कर रहा था, वो मेरा फर्नीचर भी यूज कर रहा था, वो मेरी व्हीकल भी यूज कर रहा था। तो सर मेरे सारे असेट्स वो यूज कर रहा था, तो ये सारे असेट्स उससे रिसीवेबल थे। तो ये ब्रांच एक ऐसा डेटर हो जाता है जिससे ना केवल कैश बट कैश छोड़ के बाकी ब्रांच में जितने भी अन्य असेट्स है ये सब भी मैंने रिसीव करना है। मतलब सर हमारा कोई नॉर्मल डेटर होता है जैसे राम, श्याम, मोहन, रमेश, मुकेश, ये जो भी मेरे नॉर्मल डेटर्स होते हैं इनसे मैंने क्या रिसीव करना होता है? कैश। तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं? केवल ओपनिंग बैलेंस लिखता हूं। मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ व्हाट? इनसे जो रिसीवेबल है वो है एक चीज, कैश। बट यहां पे ओपनिंग बैलेंस में मैं एक तो लिखूंगा कैश, कैश भी रिसीवेबल है। सर इनके पास अगर कोई बिल्डिंग है तो वो भी रिसीवेबल है। हाँ सर, ब्रांच के पास अगर कोई फर्नीचर है तो वो भी रिसीवेबल है। सर ब्रांच के पास अगर कोई मेरा व्हीकल है तो ये व्हीकल भी रिसीवेबल है। ब्रांच के पास अगर कोई डेटर है तो ये भी मेरे को रिसीवेबल है। मतलब ब्रांच के डेटर से ब्रांच को पैसा आना है बट इन द एंड तो वो पैसा मेरे को ही आना है, तो वो सारे असेट्स मेरे है। तो ये ब्रांच के पास जितने भी असेट्स है वो किसको बिलोंग करते हैं मुझे? तो मैं बोलूंगा ब्रांच से ये सारी की सारी चीजें मेरी रिसीवेबल है। तो ये सारी की सारी चीजें
मेरी क्या बन जाएगी, जितने भी असेट्स है ब्रांच के पास वो सारे असेट्स को मैं दिखाऊंगा, ये ओपनिंग रिसीवेबल है, यही सारे असेट्स मेरे क्या बन जाएंगे, यही सारे असेट्स मेरे बन जाएंगे ब्रांच से क्लोजिंग रिसीवेबल भी, यही सारे असेट्स मेरे क्या बन जाएंगे ब्रांच से क्लोजिंग रिसीवेबल भी। तो ब्रांच के पास ईयर एंड पे ये सारे असेट्स का जो भी बैलेंस बचेगा वो क्या होगा, क्लोजिंग रिसीवेबल। ये चीज क्लियर? तो एक नॉर्मल डेटर और ये ब्रांच एज ए डेटर दोनों में फर्क क्या है? नॉर्मल डेटर के पास केवल मेरा कैश पड़ा होता है तो उससे कैश रिसीवेबल होता है, बट ब्रांच एक ऐसा डेटर है जिसके पास मेरा कैश भी है, जिसके पास मेरा लैंड भी है, बिल्डिंग भी है, फर्नीचर भी है, व्हीकल भी है, ब्रांच के जो उसके खुद के डेटर्स है वो भी इन द एंड मेरे को ही बिलोंग करते, तो इसके पास जितने असेट्स है वो सब के सब मेरे से मेरे रिसीवेबल है। तो यहां पे मैंने सारे असेट्स को ओपनिंग रिसीवेबल दिखाया, क्लोजिंग रिसीवेबल। इसमें एक और चीज लिखेंगे, सर उसके पास जो स्टॉक भी है वो स्टॉक भी तो मेरे को ही बिलोंग करता है, तो ये स्टॉक भी इससे रिसीवेबल है। बिल्कुल सर, फिर अगली चीज क्या? अब अगर मैंने साल भर में ब्रांच को कुछ भी गुड्स सप्लाई किया है, अगर मैंने साल भर में ब्रांच को कुछ भी गुड्स सप्लाई किया है तो मुझे बताइए ये ब्रांच अकाउंट में क्या होगा? सर ये डेटर है, अगर मैं डेटर को गुड्स देता हूं तो मैं डेटर को क्या करता हूं, डेबिट करता हूं, तो यहां पे ब्रांच अकाउंट में डेबिट करूंगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, इससे और रिसीवेबल बढ़ गया। ठीक है, क्या चीज हुई? मैंने अगर डेटर को गुड्स सप्लाई किया तो सर डेटर से और रिसीवेबल बढ़ गया, तो डेटर अकाउंट में क्या चीज करना चाहिए? सर डेबिट करना चाहिए। डेटर अकाउंट में क्या चीज करना चाहिए? एक्सक्यूज मी, डेटर अकाउंट में मैंने करना चाहिए डेबिट। ये चीज क्लियर? यहां पे आएगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, डेटर अकाउंट में मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। फिर सर क्या होगा? फिर सर क्या होगा, डेटर ने अगर मुझे कुछ गुड्स रिटर्न कर दिया, ओहो हो 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 हो, तो मैं डेटर के अकाउंट में क्या कर दूंगा, क्रेडिट बाय गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, इसके अकाउंट में मैं कर दूंगा क्रेडिट बाय गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर अगर मैंने डेटर को कैश भेजा, मैंने डेटर को कैश दिया, तो वापस डेटर के अकाउंट में डेबिट करूंगा टू कैश सेंट टू ब्रांच, डेटर से और रिसीवेबल बढ़ चुका है, टू कैश सेंट टू ब्रांच, और यहां पे क्या हो जाएगा, बाय कैश रिसीव्ड, बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। जब ब्रांच ने मुझे कैश रेमिट किया तो मैं उसके अकाउंट में क्या कर दूंगा, इसे क्रेडिट कर दूंगा। तो ये एंट्री सभी को क्लियर? यस यस यस, ये एंट्री सभी को क्लियर? हाँ हाँ हाँ, सभी को क्लियर है ये चीज? मैंने जब ब्रांच को कुछ भी दिया तो उसके अकाउंट में डेबिट किया, ब्रांच से कुछ चीजें मुझे अगर मिलती है तो मैं क्या करता हूं, उनके अकाउंट में क्रेडिट करता हूं। इज दिस क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? 100% क्लियर, 100% क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? किसी को इसमें कोई भी डाउट? किसी को इसमें कोई भी डाउट? नो डाउट्स, नो डाउट्स, नो डाउट्स। सर एक चीज देखिए, अब जैसे आपने बोला ब्रांच के पास जितने भी असेट्स थे वो सारे के सारे असेट्स आपको रिसीवेबल थे, ब्रांच के जितने असेट्स आप बोलते हो मुझे बिलोंग करता है, तो सारे के सारे रिसीवेबल दिखाइए, ओपनिंग रिसीवेबल और यहां पे क्लोजिंग रिसीवेबल। अगर सर ब्रांच के पास कुछ लाइबिलिटीज भी होती तो वो भी तो मुझे ही बिलोंग करेगी ना इन द एंड, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, अगर इनके पास कोई लाइबिलिटी है तो वो भी मैं यहां पे दिखाऊंगा कि मेरी रिसीवेबल है। जैसे कि यहां पे हो गया ब्रांच का कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, एनीथिंग एनीथिंग, इनकी जो भी लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है उसको मैं यहां पे दिखा दूंगा, क्योंकि वो भी इन द एंड मुझे ही बिलोंग करती है, वो भी इन द एंड मुझे ही बिलोंग करती है। ये चीज सभी को क्लियर? Is this clear with all of you? Is this clear with all of you? 100% clear, 100% clear. किसी को इसमें कोई भी डाउट? किसी को इसमें कोई भी डाउट? Anybody having any doubts over here? नहीं 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 नहीं, यहां से आगे बढ़े, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या चीज है? इसके बाद क्या चीज है? अब सर देखो, ये जो ब्रांच अकाउंट है जिसको हम एक डेटर मान रहे हैं, इसी अकाउंट से ना मैं आपको बोलता हूं मैं फाइनली ना अपना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस भी निकालूंगा कि सर ये जो मेरा पूना में ब्रांच था, ये पूना की ब्रांच से मुझे कितना नेट प्रॉफिट हुआ या ये पूना की ब्रांच से मुझे कितना नेट लॉस हुआ, वो भी मैं सर यहीं से निकाल लूंगा।
सर यहां से कैसे निकालोगे? सर आपको जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ वो चीज आप यहां से कैसे निकालोगे? सर ये तो एक डेटर अकाउंट है। डेटर अकाउंट मतलब क्या होता है सर? ये एक पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट सर रिसीवेबल पेएबल दिखाता है, आपको प्रॉफिट लॉस तो दिखाएगा नॉमिनल अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट में से आप अपना प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालोगे सर? नहीं निकाल सकते हो। नो 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 नो। बट मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां से मैं नेट प्रॉफिट निकालूंगा। सर हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं बोलता हूं देखो ब्रांच भले ही मेरा डेटर है, बट ये डेटर एक ऐसा डेटर है जो मेरे नॉर्मल डेटर के अकाउंट जैसा नहीं है। सर मतलब क्या? नॉर्मल डेटर की बात करूं, जैसे मैं बोलूं ब्रांच की जगह अगर यहां पे होता राम, राम को अगर मैंने गुड सेल किया है, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 100, तो राम से फिर पैसे भी मेरे को कितना मिलता है यहां पे बाय कैश? कितना मिलता सर? 100। अब मैंने राम को 100 की सेल्स की, तो राम से मेरे को मिलेगा भी कितना? 100। राम ने चाहे आगे वो 100 रुपए के गुड्स 1000 में, 10000 में, 1 लाख में, कितने में भी बेचो, बट राम से मेरे को यहां पे कितना मिलेगा? राम से जो मुझे यहां पे मिलेगा दैट विल ओनली बी रुपीज 100। यस सर, राम से केवल आपको 100 मिलेगा, क्योंकि आपने राम को सेल्स भी कितनी की थी? आपने राम को सेल्स 100 की थी। यस yes, तो आपको राम से यहां पे मिलेगा भी 100। बट सर इन केस ऑफ ब्रांच, ब्रांच को अगर आपने यहां पे 100 रुपए के गुड्स सेंड किए हो और ब्रांच ने वही गुड्स आगे कस्टमर को 10000 रुपए में बेचा है, 1 लाख रुपए में बेचा है, तो सर अब ब्रांच से आपको कैश कितना रिसीव करना है? पूरा 1 लाख रुपए रिसीव होगा। मैंने उसको 100 रुपए के गुड्स भेजे, बट उससे मेरे को रिसीव कितना होगा? पूरा 1 लाख। तो मेरे नॉर्मल जो डेटर्स होते हैं उससे ये अकाउंट अलग कैसे है? ये सर नॉर्मल डेटर्स के केस में मैंने अगर उनको 100 की सेल की तो मेरे को 100 रुपए मिलेगा, बट इस केस में अगर मैं इनको 100 की सेल करता हूं तो 100 के बदले में मेरे को केवल 100 नहीं 100 से ज्यादा भी मिल सकता है। ये ब्रांच ने कस्टमर को जितने में बेचा उतना पूरा अमाउंट मुझे मिलेगा। तो यहां पे भले ही 100 की सेल की, बट ब्रांच से मेरे को कितना मिल सकता है? 1 लाख भी मिल सकता है ये 100 के बदले में। तो सर यहां पे क्या हो गया? 99,900 का आपका यहां पे प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां पे मैं आपको कहूंगा कि ये ब्रांच अकाउंट से क्या नेट प्रॉफिट निकालना संभव है? हां सर, ब्रांच अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकालना संभव है। भले ही ये डेटर है, बट एक ऐसा डेटर है जिसको हमने जो अमाउंट के गुड्स दिए उससे कई ज्यादा रुपए हमें रिसीव हो सकते हैं। यस, अब सर इसके बाद हमें यहां से अगर नेट प्रॉफिट निकालना है तो नेट प्रॉफिट के लिए सर क्या चीज जरूरी होती है? इसके लिए जरूरी होता है सर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। क्या चीज जरूरी होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। आपको कभी भी प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए दो चीज जरूरी है, एक है सेलिंग प्राइस, एक है कॉस्ट। तो सर यहां पर मुझे बताइए, यहां पर अगर मैं ब्रांच को गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भी सप्लाई कर रहा हूं, मैं हेड ऑफिस ब्रांच को जो गुड्स सप्लाई कर रहा हूं, अगर वो इनवॉइस प्राइस पर भी हो रहा है, मैं इस अकाउंट में काय पे रिकॉर्ड करूं? इनवॉइस प्राइस पे करूं या कॉस्ट पे करूं? सर इस अकाउंट में मैं जो रिकॉर्डिंग करूंगा ना ब्रांच के अकाउंट में, वो कॉस्ट पर ही करूंगा। सर क्यों कॉस्ट पे करूंगा? क्योंकि सर मुझे निकालना है नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट तभी आएगा जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट मेरा यहां पे माइनस होगा। तो देखो अब मैं यहां पे बोलता हूं, मैंने ब्रांच को जो गुड्स सेंड किए वो मैं यहां पे काय पे लिखूंगा? कॉस्ट पे लिखूंगा। ब्रांच से जो मुझे पैसा आएगा वो कौन सी प्राइस पे आएगा? पैसा वो सेलिंग प्राइस पे आएगा। ब्रांच के पास जो ये स्टॉक है, गुड्स का स्टॉक, वो भी मैं काय पे लिखूंगा? कॉस्ट पे लिखूंगा। ये जो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा ब्रांच के पास, वो भी मैं काय पे लिखूंगा? कॉस्ट पे लिखूंगा। तो अब सर क्या चीज हो जाएगी आपके पास? देखो गुड्स की जब बात किए तो यहां पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट अगर आपने बराबर लिखे तो आपके पास पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यहां पे सर अगर आप इसी चीज को इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस पे लिखते हो तो आपका नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। पर मेरा मुद्दा क्या है ये अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकालने का, तो यहां पे मैं कोई भी चीज को इनवॉइस प्राइस पे ना लिखते हुए काय पे लिखता हूं? मैं इसको कॉस्ट पे लिखता हूं। ये चीज सभी को क्लियर हुआ? ये चीज सभी को क्लियर हुआ? यस यस यस, सभी को क्लियर ये चीज गया सबके दिमाग में जो यहां पे समझाया सबको?
कॉन्ग्रेचुलेशंस अनुराग साहा एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सभी के दिमाग में बात गई, सभी के दिमाग में गई ये बात, गया 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 गया, सभी को क्लियर, लॉजिक क्लियर सभी को। तो इस प्रकार से हम यहां पे क्या करते हैं, डेटर्स अकाउंट में हम यहां पे क्या बनाते हैं सर, डेटर्स अकाउंट में हम यहां पे पूरा हमारा डेटर्स मेथड में हम यहां पे पूरा ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, इस लॉजिक से बनता है। ठीक है सर, समझा सर, समझा। ये हो गया मेरा पूरा ब्रांच अकाउंट यहां पे कंप्लीट। ओके, सभी के दिमाग में गया ये डेटर्स मेथड, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, एवरीबडी हु वांट्स टू टेक अ स्क्रीनशॉट फट से ले लो। बिल्कुल ध्वनि, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट डे, लुकिंग फॉरवर्ड। सर पेटी कैश वाला पॉइंट भी आगे आएगा, करवा दूंगा, लॉजिक समझ जा। पेटी कैश, वेटी कैश क्या है, असेटी तो है भाई, पेटी कैश हो, नॉर्मल कैश हो, कोई भी कैश हो, असेटी है ना, है कि नहीं, असेटी है। तो जो असेट्स के लॉजिक अभी बताए उसी लॉजिक से चलेगा ना। ओके चलो, तो अब ये स्क्रीनशॉट हो गया सभी का, यस। अब सर देखो, हमने ना सर इसके पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बट यहां पे क्या होता है, हमको बोलते हैं डेटर्स मेथड से सॉल्व करो, हम डेटर्स मेथड से ये सॉल्व भी करना चाहते हैं। तो डेटर्स मेथड में वैसे तो बोलते हैं एक ब्रांच अकाउंट बनाने का, बट ये ब्रांच अकाउंट बनाने के साथ साथ फिर हम वर्किंग नोट में देखते ब्रांच स्टॉक आ जाता है, ब्रांच डेटर आता है, ब्रांच कैश आता है, सर इतने फलाने ढिमकाने इतने सारे अकाउंट आ जाते हैं, सर दिमाग का दही होता है। सर ये बहुत गलत बात है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इन्होंने बोला है डेटर्स मेथड है और डेटर्स मेथड में एक ब्रांच अकाउंट, तो एक ब्रांच अकाउंट ही होना चाहिए। फिर वो वर्किंग नोट में ब्रांच स्टॉक क्यों आता, ब्रांच डेटर्स क्यों आते, ब्रांच कैश क्यों आते, ये सारी चीज क्यों आती है। तो देखो मैंने आपको क्या लॉजिक समझाया, मैंने समझाया कि मुझे ब्रांच से ये सारे के सारे असेट्स रिसीवेबल दिखाने हैं, ये सारे के सारे असेट्स को मैंने क्या दिखाना है, यहां पे रिसीवेबल दिखाना है, यहां पे भी क्या करना है, ये सारे के सारे असेट्स को भी क्या करना है सर, रिसीवेबल दिखाना है। यस सर, इसको भी हम क्या करेंगे, रिसीवेबल दिखाएंगे। अब अगर इसमें से कोई भी असेट का बैलेंस अगर मेरा मिसिंग है, कोई भी असेट का बैलेंस मेरा मिसिंग है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, अगर आपके कोई भी असेट का बैलेंस मिसिंग है तो आपको सर वो असेट के लिए यहां पे ये तो बताना पड़ेगा ना सर, कि ये आपका ओपनिंग रिसीवेबल क्लोजिंग रिसीवेबल का अमाउंट कितना है। तो वो अमाउंट निकालने के लिए उसका अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। अब जैसे यहां पे मैं बोलूं ब्रांच के जो डेटर्स थे उसका क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग, ब्रांच का जो स्टॉक है उसका क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग, ब्रांच का जो कैश है उसका क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग, सर अगर ये सारे बैलेंसेस मेरे मिसिंग है तो मुझे सर वो बनाना तो पड़ेगा उसका अकाउंट। तो यहां पे अकाउंट कब बनाते हैं हम एक्स्ट्रा वर्किंग नोट्स में, जब हमारे कोई भी असेट्स का बैलेंस मिसिंग होता है या लायबिलिटी या असेट्स का बैलेंस अगर मिसिंग होता है तो उसका रिस्पेक्टिव अकाउंट मुझे यहां पे बनाना पड़ेगा। यस, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस। ठीक है, अब सर हमें ना एक ऐसा इसमें तूफानी ताबड़तोड़ एकदम खलनायक क्वेश्चन करवा दो कि यहां पे क्या चीज है, यहां पे सर हमको इसका जो डर है ना वो डर एकदम खत्म हो जाए, इसका सर डर ही एकदम खत्म हो जाए। तो आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाता हूं इस पे डेटर्स मेथड पे, जो ओल्ड कोर्स में भी था, ओल्ड कोर्स मतलब जो आईपीसीसी था ना, ओल्ड कोर्स पीएम वहां पे प्रैक्टिस मैन्युअल थी तो पीएम में भी था, न्यू कोर्स एसएम में भी है, न्यू कोर्स एसएम में भी है, न्यू कोर्स एसएम में भी है, उसके बाद ये और कहां पे था, ओल्ड कोर्स पीएम में था, न्यू कोर्स एसएम में था, फिर ये मेरे स्टडी मटेरियल में भी, स्टडी मटेरियल तो हो गया, फिर ये मेरे आरटीपी में भी आया हुआ है, और ये एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी है, तो वो हम कर ले सर। वैसा मतलब सर एकदम ऐसा ताबड़तोड़ क्वेश्चन करवा दो तो मजा आ जाए, और वो हमारे दिमाग में घुस जाए तो मजा आ जाए, है ना। तो चलिए एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो ये सारी चीजों में रह चुका है, ये सारी चीजों में रह चुका है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, हम हमारे सॉल्व क्वेश्चंस में आएंगे, सॉल्व वाले क्वेश्चंस में आएंगे, और सॉल्व वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चन 7 अभी किए थे ना, हम आएंगे काय पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, वाइड स्प्रेड पे आ जाओ सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व क्वेश्चंस, पेज नंबर कौन सा है, ये पेज नंबर मार्क करना है 13.80, तो 13.80 पे आइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे सभी लोग, ठीक है, 13.80 क्वेश्चन नंबर 5।
ओके चलो छवि जी, मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दूं, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा ना सारे होमवर्क, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा सारे के सारे होमवर्क। शमिका हार्डिकर, आपको वो मिल जाएगा, डिस्पैच ऑलरेडी हो चुका है, आपको मिल जाएगा, मैंने खाली ट्रैकिंग डिटेल्स ना अभी तक अपडेट नहीं किए, रीजन बीइंग कि मैं नागपुर अभी अभी जस्ट आया हूँ मेरे ऑफलाइन मैराथॉन्स खत्म करके, और उसके बाद अभी शेड्यूल थोड़ा कठिन इन द सेंस काफ़ी हेक्टिक चल रहा है, तो वो जो उसकी शीट है वो मैं अपलोड कर नहीं पा रहा हूँ, उस कारण से केवल मैं ट्रैकिंग डिटेल्स अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी आपकी बुक डिस्पैच हो चुकी है, आपको विद इन 2-3 डेज मैक्सिमम वो मिल भी जानी चाहिए। ओके चलो तो अब यहां से बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते, इसको मुझे करना पड़ेगा एक बार रिकनेक्ट, क्योंकि यहां पे अब ये थोड़ा सा ब्लर होते जा रहा है। हाँ एक सेकेंड रुकिए, करता हूं इसको रिकनेक्ट, जस्ट अ सेकेंड। हो गया परफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए सभी लोग, एवरीबॉडी प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 5। विवेक चौरसिया, मेथड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो या तो एक तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिया होगा कौन सी मेथड फॉलो करना है, या फिर अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है तो आपको ये चीज लिखी होगी, जैसे स्टॉक डेटर मेथड में लिखा रहेगा प्रिपेयर ऑल नेसेसरी लेजर अकाउंट्स ऑफ ब्रांच इन द बुक्स ऑफ एचओ, ऑल नेसेसरी लेजर अकाउंट्स लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है, जितने जरूरी सब बताइए। अगर डेटर मेथड की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ, कौन सा अकाउंट? ब्रांच अकाउंट, तो एकमात्र एक अकाउंट था, मतलब कौन सी मेथड? डेटर मेथड। तो क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी रहती है। ओके तो क्वेश्चन में उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ओके पानी वापस पीता हूं क्योंकि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। नेक्स्ट 1 आवर के लिए अब बैठ के क्लास ली जाएगी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइनल अकाउंट मेथड यारो उसमें कुछ एग्जाम में पूछने लायक नहीं है, तो फाइनल अकाउंट मेथड मतलब ये दोनों मेरे को इंपॉर्टेंट लगती है, फाइनल अकाउंट मेथड में तो कुछ है ही नहीं। ओके लेट्स स्टार्ट। अब देखो क्या चीज बोलते हैं, widespread invoices goods to its branch at cost plus 20%। तो ये widespread है जो अपनी ब्रांच को कॉस्ट प्लस 20 पे गुड्स इनवॉइस करता है। ब्रांच सेल्स गुड्स फॉर कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट, तो कैश एंड क्रेडिट दोनों पे गुड्स सेल करता है। ब्रांच मीट्स इट्स एक्सपेंसेस आउट ऑफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम इट्स डेटर्स एंड कैश सेल्स एंड रेमिट्स द बैलेंस ऑफ कैश टू एचओ After withholding 10,000 necessary for meeting immediate requirements of cash। तो यहां पे क्या है, ब्रांच अपने एक्सपेंसेस काय में से मीट करता है, ब्रांच मीट्स इट्स एक्सपेंसेस आउट ऑफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम इट्स डेटर्स एंड कैश सेल्स, तो ये दोनों से जो कैश आता है उससे वो अपने एक्सपेंसेस मीट करता है। एंड रेमिट्स द बैलेंस ऑफ कैश टू एच ओ आफ्टर विथहोल्डिंग 10,000 नेसेसरी फॉर मीटिंग इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैश, तो 10,000 वो अपने पास रखता है और बाकी उसका जो भी एक्सेस कैश है उसको वो क्या कर देता है, उसको वो रेमिट कर देता है, उसको वो रेमिट कर देता है। ऑन 31st मार्च 2021
The assets of the branch were as follows. तो branch के assets यहाँ पे दिए हैं 31st March 2021 को, जिसमें सबसे पहले cash in hand दिया है. अब देखो cash in hand यहाँ पे 10,000 दिया है. 10,000 दिया है वो तो हमें यहीं से समझ गया था, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये balance of cash अपने पास 10,000 रखता है. मतलब cash का opening और closing balance कितना है? 10,000 है. वो तो पहले ही इन्होंने दे दिया था. ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है, ट्रेड डेटर्स दिया है, स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस दिया है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स दिया है, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे दी हुई है. ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31st मार्च 2022, ठीक है, द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स डिस्पैच बाय एचओ टू द ब्रांच अमाउंटेड टू 1,32,00,000. तो यहाँ पे क्या चीज बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31st मार्च 2022, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स डिस्पैच बाय एचओ टू द ब्रांच अमाउंटेड टू 1,32,00,000. ये चीज यहाँ पे बोले है, मतलब यहाँ पे क्या है, एचओ ने ब्रांच को कितने गुड्स सप्लाई किए है, 1,32,00,000. Out of the goods received by it, branch sent back to HO goods invoiced at 72,000. तो branch ने भी HO को goods return कर दिया, बिल्कुल. Other transactions at the branch during the year were as follows. तो branch में जो दूसरे transactions थे वो कुछ इस प्रकार थे. Cash sales, credit sales ये दिया हुआ है. उसके बाद excuse me, उसके बाद और जो चीज यहाँ पे देते हैं वो क्या है, वो जो यहाँ पे देते हैं ब्रांच के और ट्रांजैक्शंस, कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, रिटर्न बाय कस्टमर्स, बैड डेट रिटर्न ऑफ, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ये सारी चीजें यहाँ पे दी है. On 1st January 22, branch purchased new furniture for 1,00,000 for which payment was made by HO through a check. तो branch ने क्या किया है? New furniture purchase किया है 1st January 22 को, for which payment was made through a check. उसके बाद यहाँ पे क्या चीज देते हैं? On 31st March 22, branch expenses amounting to 6,000 were outstanding and cash in hand was again rupees 10,000. Cash in hand कितना था? 10,000 था. Furniture is subject to depreciation at 16% per annum on diminishing balance method. अब method कैसे identify करें? Prepare branch account in the books of HO. क्या बोला है? HO की books में branch account बनाना. मतलब कौन सी method हो गई? Sir, एक ही account बनाने बोले, मतलब debtor method यहाँ पे हो चुकी है. Okay sir, ये कौन सी method? Debtor method की यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो यहाँ से अब आगे बढ़े. यस सर, अब क्या बनाना है? ब्रांच अकाउंट बनाना है. किसकी बुक्स में? एचओ की बुक्स में. ये सारी डिटेल्स दी हुई है, तो इन डिटेल्स के भरोसे हम क्या करेंगे? एचओ की बुक्स में बनाएंगे ब्रांच अकाउंट. तो आ जाइए, ये कौन सा है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, आईसीआई स्टडी मटेरियल. क्वेश्चन नंबर 5 है ये, आईसीआई की स्टडी मटीरियल का, आईसीएआई स्टडी मटीरियल. ओके सर, क्वेश्चन 5 ICAI स्टडी मटेरियल. तो यहाँ पे किसकी बुक्स में बना रहे हैं सर? हम ये बना रहे हैं एचओ की बुक्स में. एचओ की बुक्स में बना रहे हैं क्या चीज सर? हम एचओ की बुक्स में बना रहे हैं यहाँ पे ब्रांच अकाउंट. ओके सर, ये यहाँ पे मेरा हो गया क्या चीज? ब्रांच अकाउंट. ओके चलिए, चलो एचओ की बुक्स में ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं. ये वैसे थोड़ा बड़ा लगेगा, इतने छोटे में होगा नहीं. चलो ठीक है, आगे जैसे लगेगा वैसे उसको बढ़ा देंगे, या फिर पहले ही कर लेते ना, पहले ही बढ़ा लो यारो, दिक्कत क्या है. चालू करे उसके पहले ही बढ़ा लो. चलो बढ़िया अकाउंट बन गया. यस सर, बढ़िया अकाउंट बन गया. अब ब्रांच अकाउंट बना रहे किसकी बुक्स में? एचओ की बुक्स में, बिल्कुल सही बात. और यहाँ पे क्या क्या चीज दी है सर? एक एक करके सारी चीजों को यहाँ पे लेंगे. सबसे पहले बोलते हैं कि कॉस्ट प्लस 20 पे गुड्स भेजे, तो सर हम यहाँ पे क्या करेंगे सर? इक्वेशन बना लेंगे. सबसे पहले आएगा कॉस्ट, फिर यहाँ पे आएगा लोडिंग, फिर यहाँ पे क्या चीज आएगा, फिर यहाँ पे आएगा इनवॉइस प्राइस. ये इक्वेशन भी हमने बनाना बहुत जरूरी है, इक्वेशन के अनुसार बहुत सारी चीजें होती है. अब कॉस्ट प्लस 20, तो 100 प्लस 20, तो इनवॉइस प्राइस मेरा हो जाएगा 120. बिल्कुल सही बात. उसके बाद क्या चीज बोलते हैं? उसके बाद ये लोग यहाँ पे बोलते हैं नेक्स्ट चीज क्या है? ब्रांच सेल गुड्स फॉर कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट. तो ब्रांच क्या करता है? कैश और क्रेडिट दोनों में गुड्स सेल करता है. ठीक है,
तो ब्रांच के उसमें वो दिखना चाहिए कि ब्रांच ने दोनों सेल्स किया है, ठीक है. ब्रांच मीट्स इट्स एक्सपेंसेस आउट ऑफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम इट्स डेटर्स एंड कैश सेल्स एंड रिमिट्स द बैलेंस ऑफ कैश टू एचओ आफ्टर विथहोल्डिंग 10,000 necessary for meeting immediate requirements of cash. तो ब्रांच अपने पास क्या करता है, 10,000 की कैश रखता है, बाकी पूरी रेमिट कर देता है. तो सर इससे क्या है, मुझे एक चीज पता चलेगा कि ब्रांच के पास जो कैश का ओपनिंग बैलेंस रहता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश दोनों कितना रहेगा. सर दोनों इनके पास रहेगा 10,000 रुपए. ये कैश यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, और यहां पे भी अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस की बात करूं तो यहां पे भी कितना हो जाएगा सर, ये भी 10,000 का कैश हो जाएगा. यस सर, इतना तो सर सीधा सीधा हमें यहां पे समझ गया, सीधा सीधा हमें यहां पे समझ गया. फिर उसके बाद क्या है, ऑन 31st March 2021 द असेट्स एट द ब्रांच वर एज फॉलोज. तो 31st March 2021 कैश इन हैंड सर 10,000 था, ऑलरेडी लिख दिया. ट्रेड डेटर्स 3,84,000. तो सर ये ओपनिंग बैलेंस दिया है डेटर्स का कितना, 3,84,000 रुपीस, 3,84,000, ठीक है. फिर क्या चीज देते हैं डेटर्स के बाद, स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस. अब स्टॉक कौन सी प्राइस पे दिया है, इनवॉइस प्राइस. मैंने क्या बोला था कि ये जो ब्रांच अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट से हमने क्या निकालना है सर, ब्रांच अकाउंट से हमको निकालना है नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट. तो इसमें सारी चीजें मैंने काय पे लिखना है, कॉस्ट पे लिखना है, सारी चीजें कॉस्ट पे लिखना है. तो सर यहां पे जो मैं स्टॉक भी लिखूंगा वो स्टॉक भी काय पे लिखूंगा सर, स्टॉक भी मैं लिखूंगा कॉस्ट पे. अब सर इन्होंने मेरे को दिया है 10,80,000 का इनवॉइस प्राइस पे, स्टॉक जो दिया है ओपनिंग स्टॉक वो बोलते हैं 10,80,000 इनवॉइस प्राइस पे. तो मैं इसका क्या कर लूंगा, कॉस्ट निकाल लूंगा 10,80,120 के बराबर. तो ये 100 कितना आएगा देखिए, 10,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, ये मेरा यहाँ पे हो जाता है 9,00,000 रुपए. ये मेरा यहाँ पे कितना हो जाता है, 9,00,000 रुपए, ठीक है सर. ये आ गया, तो यहाँ पे मैं अपना ओपनिंग स्टॉक लिख लूंगा 9,00,000 रुपए पे. डन सर, डन. मैंने ओपनिंग स्टॉक को 9,00,000 पे लिख दिया. नेक्स्ट चीज फिर ये लोग क्या बोलते हैं, फर्नीचर एंड फिटिंग 5,00,000 का दिया है. तो यहाँ पे लिख लो फर्नीचर हमारा कितना है सर, 5,00,000 रुपए का दिया हुआ है. वो भी चीज सर मैंने यहाँ पे लिख ली. नेक्स्ट चीज सर इसके बाद क्या है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31st March 2022 द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स डिस्पैच बाय द एचओ टू द ब्रांच अमाउंटेड टू 1,32,00,000. एचओ ने ब्रांच को जो गुड्स डिस्पैच किए कितने के किए, 1,32,00,000. तो अब मैं एचओ हूं, मैं ब्रांच अकाउंट बना रहा हूं, ब्रांच मेरा डेटर है, मैं बोलता हूं मैंने इसको 1,32,00,000 के गुड्स दिए हैं तो मैं इसको डेबिट करूंगा क्योंकि इससे रिसीवेबल है, ब्रांच से रिसीवेबल है, ब्रांच को डेबिट करेंगे 1,32,00,000 से नहीं, क्योंकि 1,32,00,000 क्या है, इनवॉइस प्राइस है. तो मैं यहां पे ब्रांच को डेबिट जरूर करूंगा, यहां पे लिखूंगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच. ब्रांच को डेबिट तो करेंगे बट क्या 1,32,00,000 से करेंगे, नहीं सर हम कॉस्ट प्राइस पे करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना था सर, हमें यहां पे निकालना था नेट प्रॉफिट, उसके लिए कॉस्ट प्राइस लेना पड़ेगा. तो मैं बोलूंगा 1,32,00,000 120 के बराबर. तो 100 कितना, 1,32,00,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, ये यहां पे होता है 1,10,00,000, ठीक है सर. 1,10,00,000 ये हो गया, ये यहां पे मेरा 22,00,000 का आ गया लोडिंग, ठीक है सर. अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, यहां पे 1,10,00,000 से इसको डेबिट कर देंगे, 1,10,00,000 से इसको हम यहां पे कर देंगे डेबिट, ठीक है. 1,10,00,000 से यहां पे इसको डेबिट कर दिए. उसके बाद बोलते हैं आउट ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय इट ब्रांच सेंड बैक टू हेड ऑफिस गुड्स इनवॉइस्ड एट 72,000. ब्रांच ने क्या किया, एचओ को 72,000 के गुड्स रिटर्न किया. मतलब ये अब मैं इतना अमाउंट क्या करूंगा, ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट करूंगा, बाय गुड्स रिटर्न्ड बाय द ब्रांच, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच. सर ये इनवॉइस प्राइस पे दिया है तो मैंने क्या इसको इनवॉइस प्राइस पे लिखना है क्या, नहीं सर अगेन आपने इसको कॉस्ट पे लिखना है. 72,000 इनवॉइस प्राइस पे है तो अब इसका कॉस्ट कितना होगा, 72,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, ये मेरा हो जाएगा 60,000 के गुड्स रिटर्न किए एट कॉस्ट. 12,000 का इसमें क्या था, लोडिंग. तो 60,000 का अमाउंट मेरा यहां पे आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है. 60,000 का अमाउंट आ गया, बिल्कुल सही बात. नेक्स्ट चीज इसके बाद अब क्या कहते हैं, अब बोलते हैं अदर ट्रांजैक्शंस एट द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोस. अब ब्रांच के अदर ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं जिसमें कैश सेल्स देते हैं 97,00,000. सर ब्रांच ने कैश सेल की 97 की, सर क्या ये मेरा ब्रांच अकाउंट में आएगा.
सर ब्रांच अकाउंट बना कौन रहा है? सर हेड ऑफिस। हेड ऑफिस अगर अपनी बुक्स में ब्रांच अकाउंट बना रहा है तो इस ब्रांच अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शंस आने चाहिए? सर केवल एचओ और ब्रांच के बीच के, क्योंकि आज अगर मेरी बुक्स में मैं राम का अकाउंट बनाता हूं तो उसमें मेरे और राम के ट्रांजैक्शंस, मैं अगर अपनी बुक्स में श्याम का अकाउंट बनाता हूं मेरे और श्याम के ट्रांजैक्शंस, कोई भी अकाउंट बनाता हूं तो उसमें केवल मेरे और वो व्यक्ति के बीच के ट्रांजैक्शन, तो ब्रांच अकाउंट में भी मेरे और ब्रांच के बीच के ट्रांजैक्शंस आएंगे। ब्रांच और थर्ड पार्टी के बीच के ट्रांजैक्शन क्या इस अकाउंट में आएंगे? नहीं। तो ये जो ट्रांजैक्शन यहां पे दिया है कैश सेल्स का, वो ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। क्रेडिट सेल्स का ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। उसके बाद कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स नहीं आएगा, ब्रांच एंड थर्ड पार्टी का है। कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, अगेन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी। रिटर्न बाय कस्टमर्स नहीं आएगा। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, एक्सपेंसिस पेड बाय ब्रांच, ये कोई भी ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। आगे अगर मैं यहां से बढ़ता हूं तो इसमें क्या है, 1st January 2022 को ये लोग कहते हैं ब्रांच परचेज न्यू फर्नीचर फॉर 1 lakh फॉर विच पेमेंट वॉज मेड बाय एचओ थ्रू अ चेक। तो क्या है, ब्रांच ने एक नया फर्नीचर परचेज किया है, परचेज द न्यू फर्नीचर फॉर 1 lakh फॉर विच पेमेंट वॉज मेड बाय एचओ थ्रू अ चेक। पेमेंट किसने किया? एचओ ने किया। पेमेंट किसने किया? एचओ ने किया। तो सर ब्रांच ने फर्नीचर खरीदा बट पेमेंट एचओ कर रहा है, तो एचओ और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन हो गया। तो अब एचओ क्या बोलेगा कि एचओ ने ब्रांच के लिए खर्चा किया है। हाँ सर, एचओ ने ब्रांच के लिए खर्चा किया, तो सर ये ब्रांच से रिसीवेबल है तो ब्रांच में डेबिट करेंगे। सर इतना ब्रांच अकाउंट में डेबिट करेंगे, हमने ब्रांच को इतनी कैश दी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। किसकी कैश? एचओ की कैश, 1 lakh रुपए से। ये कितना हो गया? 1 lakh रुपए से डेबिट कर दिया। ये चीज सभी को क्लियर? बिल्कुल सर। इसके बाद क्या चीज बोलते हैं, नेक्स्ट चीज ये लोग बोलते हैं, On 31st March 22, branch expenses amounting to 6,000 were outstanding. Branch के 6,000 रुपए के expenses outstanding थे, कब? Year end 31st March 22 में। Branch के ये expenses outstanding थे, मतलब branch के लिए ये क्या हो गया? Liability. Branch की liability का closing balance है, तो क्या है? वो HO को आगे जाके टेक ओवर करना है कि नहीं, क्योंकि ब्रांच के सारे असेट्स एचओ के, ब्रांच की सारी लाइबिलिटीज एचओ की। तो यहां पे एचओ क्या करेगा, ब्रांच के लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है ना, तो यहां पे लिखेंगे लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आता है, तो यहां पे डेबिट साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। क्या था ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी? कौन सी थी? एक्सपेंसिस था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस 6,000 रुपीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस 6,000 रुपीज। ये चीज सभी को क्लियर? एवरीबडी क्लियर विद दिस? एवरीबडी क्लियर? किसी को इसमें कोई भी डाउट? ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहां पे आ गया 6,000। कैश इन हैंड कितना था? 10,000। तो सर कैश इन हैंड तो मैंने पहले ही लिख दिया था, यहां पे 10,000 है। हाँ सर, वो तो पहले ही लिख दिया था। वो छोड़ के क्या बोलते हैं, फर्नीचर इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एट 16% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फर्नीचर पे 16% डेप्रिसिएशन। तो देखिए, अब अगर मैं फर्नीचर की बात करूं तो सर फर्नीचर साल के शुरुआत से कितना था मेरे पास? साल के शुरुआत में सर फर्नीचर इन्होंने दिया था 5 lakh rupees, उस पे सर 16% डेप्रिसिएशन, तो 5 lakh पे 16% पूरे 12 महीने के लिए रहेगा। 16% इंटू 12/12 कितना हो गया सर? 5 lakh इंटू 16% ये होता है सर 80,000। और सर हमने यहां पे एक और चीज की थी, 1st January 22 को नया फर्नीचर खरीदा था 1 lakh का। कब? 1st January 22 को। तो ये 1 lakh इंटो 16%, बट ये जनवरी फरवरी मार्च, इस पे केवल 3 महीने का डेप्रिसिएशन रहेगा, तो ये कितना होगा? 16,000 डिवाइडेड बाय 4,000। तो सर टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 84,000। तो देखिए सर, फर्नीचर का टोटल कॉस्ट कितना था? 6 lakh का इसका टोटल कॉस्ट था, टोटल डेप्रिसिएशन 84,000। इसको माइनस कर लेंगे तो फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 5,16,000 रुपए का। तो यहां पे अब मेरे पास क्या चीज आ गई सर, एक और असेट का बैलेंस आ गया फर्नीचर 5,16,000 रुपए। डन सर, ये भी चीज हो गई। ये छोड़ के क्या कोई और ट्रांजेक्शन दिए है? नहीं सर, और तो कुछ भी नहीं दिया है। अब देखिए,
सर कैश का ओपनिंग था, कैश का क्लोजिंग आ गया, फर्नीचर का ओपनिंग था उसका भी क्लोजिंग आ गया, डेटर और स्टॉक का ओपनिंग था उसका क्लोजिंग मिसिंग है, तो सर मुझे यहाँ पे डेटर का भी बैलेंस निकालना पड़ेगा और सर यहाँ पे स्टॉक का भी बैलेंस निकालना पड़ेगा, दोनों का बैलेंस सर निकालना पड़ेगा जो क्या है मिसिंग है सर, तो मुझे बताइए यहां पे क्या चीज है, डेटर और स्टॉक का बैलेंस कैसे निकालूंगा सर, इनका रिस्पेक्टिव मुझे क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट बना के वर्किंग नोट्स में इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट में सर जब हम इसका अकाउंट बनाएंगे तब जाके इसका प्रॉपर हमें क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा, ठीक है। और सर एक और चीज मैं आपको कल भी बोला था आज भी बोला कि ये जो स्टार्टिंग में ये पैरा दिया रहता है ये इंपॉर्टेंट होता है, ये केवल ज्ञान का पैरा नहीं है, ये केवल ऐसे ही कोई भी वेस्ट पैरा नहीं है, यहां की सारी चीजें हमारी नीचे कवर हो जानी चाहिए। तो सर यहां पे क्या क्या बोले थे, सबसे पहले कॉस्ट प्लस 20, ब्रांच के एक्सपेंसेस उसके कैश में से मीट होते हैं राइट, और वो कैश उसके पास कहां से आता है, डेटर से और कैश सेल से, तो देखो क्या उसके पास डेटर और कैश सेल दोनों दिए, हाँ सर ये कैश सेल और फिर ये क्रेडिट सेल, पर डेटर से पैसा भी तो आना चाहिए ना, तो कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम इट्स डेटर्स, तो सर ये भी चीज दिया है। उसके बाद क्या चीज बोलते हैं, फिर ये लोग यहां पे और बोलते हैं कि अब क्या करता है, ब्रांच रेमिट करता है पूरी कैश एचओ को, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, रेमिट्स द बैलेंस ऑफ कैश टू एचओ, ये चीज का कहीं भी हमें आगे क्वेश्चन में डिटेल दिया था क्या सर, ये चीज का आगे क्वेश्चन में कहीं भी डिटेल नहीं दिया था कि ब्रांच इतनी कैश एचओ को क्या करता है, रेमिट करता है, सर ये चीज का डिटेल क्यों नहीं दिया था, और अगर नहीं दिया था तो इसका क्या इफेक्ट होना चाहिए, बेटा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों ब्रांच अगर एचओ को ये कैश रेमिट कर रहा है तो ये एचओ और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन है, किसके बीच का, एचओ और ब्रांच, एचओ और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन है, तो सर ये कहां पे आना चाहिए, ये ब्रांच अकाउंट में आना चाहिए, बिल्कुल सर कहां पे आना चाहिए, ब्रांच अकाउंट में, इफ दिस इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड एचओ तो ये यहां पे आना ही चाहिए, यहां पे देखो क्या ब्रांच ने एचओ को कुछ भी कैश रेमिट की है, अगर ब्रांच ने एचओ को कैश रेमिट की है तो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखना चाहिए, सर यहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट यहां पे आना चाहिए क्या, बाय कैश रेमिटेड टू एचओ, कैश रेमिटेड टू एचओ मतलब एचओ की कैश यहां पे होना चाहिए डेबिट, ठीक है, एचओ की कैश यहां पे होना चाहिए डेबिट, पर उसका अमाउंट हमें नहीं पता, तो सर ये भी अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी चीज यहां पे निकालना पड़ेगा, ये भी चीज हमें यहां पे निकालना पड़ेगा। अब सर अगर ये भी चीज हमें यहां पे निकालना है तो सर क्या करे, कैसे करे, क्यों करे, काय को करे, सर बताइए हाउ टू डू दिस। तो बेटा अब ना आपको तीन अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो डेटर का बैलेंस निकालने के लिए वो, स्टॉक का बैलेंस निकालने के लिए वो, और ये ब्रांच ने एचओ को कितना कैश रेमिट किया उसके लिए ब्रांच का कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें ऐसे यहां पे तीन अकाउंट बनाने पड़ेंगे, हमें ऐसे यहां पे तीन अकाउंट बनाने पड़ेंगे, सभी को क्लियर हुआ ये चीज, वी विल हैव टू प्रिपेयर थ्री अकाउंट्स ओवर ईयर, थ्री अकाउंट्स वी हैव टू प्रिपेयर ओवर ईयर, ये चीज सभी को क्लियर, ये चीज सभी को क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो अब वर्किंग नोट में मैं क्या करता हूं, मेरे तीन अकाउंट बनाता हूं, तो ये वर्किंग नोट पे यहां पे लिखेंगे वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स में सबसे पहला अकाउंट मेरा कौन सा आएगा सर, एक तो ब्रांच के डेटर का अकाउंट, एक तो ब्रांच के स्टॉक का अकाउंट और एक ब्रांच के कैश का अकाउंट, सर ऐसे तीन अकाउंट बनाइएगा सर, ये हो गया ब्रांच डेटर या ब्रांच स्टॉक, अरे यार तो यहां पे आएगा सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट, फिर आएगा ये ब्रांच डेटर अकाउंट, और फिर यहां पे आएगा क्या चीज, ब्रांच स्टॉक हो गया, ब्रांच डेटर हो गया, और ये आएगा ब्रांच कैश अकाउंट। ओके सर, तीनों अकाउंट यहां पे हमने बनाए, अब तीनों में हम क्या करेंगे, पूरे इफेक्ट्स डालेंगे सर। अब यहां पे ये तीनों अकाउंट में इफेक्ट्स डालने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को वापस पूरा
गो थ्रू करेंगे, क्वेश्चन को पूरा गो थ्रू करके देखेंगे ये तीनों अकाउंट में कहां कहां हमारे इफेक्ट जानी चाहिए। ठीक है सर, तो अब क्वेश्चन को गो थ्रू करते और एक एक करके सारी चीजें समझेंगे कि ये तीन अकाउंट में कब कब कहां कहां इफेक्ट जाएगा। तो सर सबसे पहले देखिए, यहां पे डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया है, फिर स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया और कैश का ओपनिंग बैलेंस, तो ये लिख लो। स्टॉक का कितना था सर, ओपनिंग स्टॉक अगर यहां पे लिखूं, हमने सर यहां पे सारी चीजें कॉस्ट पे बनाई ना, तो इसको भी कॉस्ट पर ही बनाऊंगा। ये ओपनिंग स्टॉक मेरा 9 लाख का था। फिर सर डेटर का ओपनिंग बैलेंस मुझे 3,84,000 दिया था, ये ओपनिंग बैलेंस दिया था 3,84,000। और यहां पे सर ब्रांच कैश का बैलेंस कितना दिया था, 10,000। तो ये ओपनिंग बैलेंस जो मुझे यहां पे दिया था, हाउ मच वॉज दैट, 10,000। ये चीज सभी को क्लियर? ठीक है, उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद क्या चीज है अगली चीज सर, फर्नीचर का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। अब आगे आते ये वाले पैरा में, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31st March 2022, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स डिस्पैच बाय एचओ टू ब्रांच अमाउंटेड टू 1,32,00,000। एचओ ने ब्रांच को 1,32,00,000 की इनवॉइस प्राइस के गुड्स दिए, ब्रांच के पास इतने गुड्स आए, ब्रांच के पास इतने गुड्स आए, तो ब्रांच के स्टॉक में डेबिट, जिसके भी पास गुड्स आते उसके ट्रेडिंग में डेबिट, ब्रांच के ट्रेडिंग को बोलते हैं ब्रांच स्टॉक। तो यहां पे 1,10,00,000 से क्या होगा, डेबिट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, यहां पे क्या होता है, गुड्स सेंट टू अ ब्रांच, ये चीज होता है। कितने पे, 1,10,00,000 पे, मैंने 1,10,000 लिखा, ये 1,10,00,000 आना चाहिए, 1,10,00,000, 1,2,3,4,5, 1,10,00,000। फिर उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद क्या चीज है, यहां पे बोलते हैं आउट ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय इट ब्रांच सेंड बैक टू एचओ गुड्स इनवॉइस्ड एट 72,000। अब ब्रांच ने एचओ को रिटर्न किया, ब्रांच के पास से गुड्स गए, अगर ब्रांच के पास से गुड्स गए तो क्या होता है, उसके ट्रेडिंग मतलब उसके स्टॉक में क्रेडिट होता है। हम यहां पे ये काय पे लिखेंगे सर, ये हम यहां पे लिखेंगे कॉस्ट पे, क्योंकि सारी चीजें हम कॉस्ट पे लिख रहे हैं। तो यहां पे क्या है, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, मतलब ये ब्रांच ने हेड ऑफिस को इतना रिटर्न कर दिया, ब्रांच ने हेड ऑफिस को यहां पे क्या किया, रिटर्न कर दिया। उसके बाद क्या चीजें यहां पे कहते हैं, अब आगे ब्रांच की कैश सेल्स, ब्रांच ने सेल की, ब्रांच के पास से वापस क्या हुआ, गुड्स गए, ब्रांच के पास से वापस यहां पे गुड्स गए, कितने के गुड्स गए, 97,00,000 के गुड्स गए। ब्रांच के पास से जब गुड्स जाते हैं 97,00,000 के, तो उसकी एंट्री अब यहां पे क्या होती है, कैश सेल की एंट्री, यहां पे 97,00,000, ये ब्रांच के पास से गुड्स जाते जा रहे, 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 तो ब्रांच के पास से गुड्स गए, उनके ट्रेडिंग में क्रेडिट होगा 97,00,000। तो यहां पे आइए, उनके ट्रेडिंग में 97,00,000 से क्रेडिट कर दीजिए, उनके ट्रेडिंग में 97,00,000 से क्रेडिट कर दीजिए, कर दिया सर। और यहां पे क्या चीज हो जाएगी, बाय 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 सर, क्या चीज, ब्रांच का कैश सेल है, तो बाय ब्रांच कैश, ब्रांच कैश में इसको डेबिट कर देंगे 97,00,000 से, क्योंकि उनके पास इतना कैश आया, यहां पे हो जाएगा टू ब्रांच स्टॉक। ठीक है सर, ये इसकी एंट्री हो गई। नेक्स्ट उसके बाद देखिए क्या चीज बोलते हैं, क्रेडिट सेल्स। अब ब्रांच ने क्रेडिट सेल्स किया, क्रेडिट सेल्स मतलब ब्रांच ने अपने डेटर को बेचा है, कितना, 31,40,000। तो इसकी क्या एंट्री होगी सर, ब्रांच का डेटर्स डेबिट टू ब्रांच का स्टॉक 31,40,000, तो ब्रांच के स्टॉक में क्रेडिट करेंगे 31,40,000 से। यहां पे आएगा बाय ब्रांच डेटर्स, बाय ब्रांच डेटर्स, ठीक है, ब्रांच के डेटर्स में 31,40,000 यहां पे आ जाएगा, टू ब्रांच स्टॉक, टू ब्रांच स्टॉक 31,40,000। नेक्स्ट चीज फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट चीज फिर उसके बाद क्या है, कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, ब्रांच ने अपने कस्टमर्स से कैश कलेक्ट किया, ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर्स 28,42,000, तो यहां पे आएगा 28,42,000 टू ब्रांच डेटर्स, और ब्रांच डेटर्स में ये चीज क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगा बाय ब्रांच कैश, बाय ब्रांच कैश 28,42,000। ये चीज सभी को क्लियर? उसके बाद क्या चीज है, कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ब्रांच का खर्चा है डिस्काउंट, ब्रांच का खर्चा टू ब्रांच के डेटर्स 58,000, तो ब्रांच के डेटर्स में यहां पे 58,000 से हम क्रेडिट कर देंगे। यहां पे आएगा बाय ब्रांच पीएनएल, ब्रांच पीएनएल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको यहां पे तीन ही बेसिकली अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है,
उसके बाद क्या चीज बोलते हैं, रिटर्न बाय कस्टमर्स। ब्रांच के कस्टमर्स ने ब्रांच को रिटर्न किया, ब्रांच के पास गुड्स आए, जिसके भी पास गुड्स आते हैं उसका स्टॉक डेबिट, और उसके कस्टमर्स ने रिटर्न किया, उनका बैलेंस गिर गया 1,02,000 से, उनके कस्टमर्स को यहां पे गिरा देंगे और उनका स्टॉक 1,02,000 से बढ़ा देंगे। ये होगा बाय ब्रांच। क्या चीज, ये ब्रांच स्टॉक हो गया यहां पे, यस। और यहां पे क्या है, 222 ब्रांच डेटर्स, 2 ब्रांच डेटर्स। ओके, नेक्स्ट चीज फिर इसके बाद क्या है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, तो ब्रांच के बैड डेट्स थे, ब्रांच के बैड डेट्स, ब्रांच का खर्चा ब्रांच के पीएनएल में डेबिट, और ब्रांच के डेटर्स हो जाएंगे क्रेडिट 37,000 से। तो यहां पे बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 37,000, ये आएगा बाय ब्रांच पीएनएल। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज फिर क्या होगी, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। ब्रांच के जो एक्सपेंसेस थे 8,42,000 के, सो ब्रांच पीएनएल में डेबिट और ब्रांच कैश में क्रेडिट 8,42,000 रुपीस। ठीक है सर, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज, बाय ब्रांच पीएनएल, क्योंकि उनके एक्सपेंसेस थे उनके पीएनएल में जाएंगे। नेक्स्ट चीज फिर क्या बोलते हैं, सर ब्रांच ने नया फर्नीचर खरीदा जिसके लिए पेमेंट किया हेड ऑफिस ने, तो सर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, एचओ कैश, ये तीन अकाउंट्स में से कहीं भी नहीं आएगा। ब्रांच के एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग थे उसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे नहीं आएगा। कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ पे कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 10,000, तो ब्रांच कैश का क्लोजिंग बैलेंस देते 10,000, वो मैंने यहां पे लिख दिया सर, हो गया। नेक्स्ट चीज उसके बाद अब क्या बोलते हैं, फर्नीचर इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो बस सर जितने इफेक्ट ये तीनों अकाउंट में हो सकते थे मैंने यहां पे पूरे के पूरे डाल दिए, पूरे के पूरे डाल दिए, बिल्कुल सही बात। अब सर हमने क्या करना है, अब सर सबसे पहले ब्रांच स्टॉक में हमने यहां पे निकालना है इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है। बिल्कुल सही बात सर, क्लोजिंग बैलेंस, बट इसका सर क्लोजिंग बैलेंस मतलब क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के पहले सर एक चीज हमें यहां पे निकालना पड़ेगा, क्या, अब देखो ब्रांच स्टॉक की मैं बात करूं तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये ब्रांच के लिए परचेज हो गया, ये दो ब्रांच के लिए क्या हो गया, ये दो ब्रांच के लिए हो गया सेल, ये क्या था, ये ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिया, ये ब्रांच के लिए परचेज रिटर्न हो गया, ये ब्रांच के लिए हो गया है सेल रिटर्न, ये ब्रांच के लिए सेल रिटर्न हो गया। सर एक चीज अभी भी बची है, वो क्या है, वो है यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट। ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट अभी भी यहां पे बचा है, ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट अभी भी यहां पे बचा है, तो सर वो ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालेंगे कैसे, हाउ विल वी कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट, कैसे आएगा कैसे आएगा कैसे आएगा, तो सर हम यहां पे क्या करेंगे, देखिए ब्रांच की सेल्स कितनी थी सर, ये उनकी टोटल सेल्स थी जिसमें से इतना क्या हुआ था रिटर्न, तो नेट सेल्स कितनी हुई थी ब्रांच की निकालो। नेट सेल्स की बात करूं तो 97 लाख प्लस 31,40,000 माइनस कितना है 1,02,000, तो ये होता है सर 1,27,38,000। तो ब्रांच की नेट सेल्स थी 1,27,38,000 और ये सर हमें इक्वेशन यहां पे दिया हुआ था कि यहां पे ब्रांच की जो सेल होती है वो इनवॉइस प्राइस पे होती है। तो मैं अगर यहां पे बोलो 1,27,38,000 इज इक्विवेलेंट टू इनवॉइस प्राइस, ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 120, तो अब प्रॉफिट कितना है, तो 1,27,38,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120 ये कितना होता है सर, ये होता है मेरा 21,23,000 रुपए, 21,23,000 रुपए ये मेरा होता है यहां पे जीपी। ठीक है, 21,23,000 का अगर मैं यहां पे जीपी लिख देता हूं तो फिर मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है मेरा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज नाउ माय बैलेंसिंग फिगर। अब ये बैलेंसिंग फिगर आएगा तो कितना, 9 लाख प्लस 1,10,00,000 प्लस कितना हो जाएगा 1,02,000 माइनस 60,000 माइनस 97 लाख माइनस कितना होगा 31,40,000, ये आ जाएगा कितना, मैंने कुछ कैलकुलेशन गलत किया, ये 9 लाख था प्लस 1,10,00,000 था प्लस 1,02,000, हाँ इसमें एक चीज रह गई ना, 21,23,000 तो लिया ही नहीं, 9 लाख प्लस 1,10,00,000 प्लस 1,02,000 प्लस 21,23,000 माइनस 60,000 माइनस कितना है 97 लाख माइनस 31,40,000 ये हुआ सर 12,25,000, 12,25,000 का क्लोजिंग स्टॉक आया एट कॉस्ट। इसी के साथ सर ये जो क्लोजिंग स्टॉक आया इसको मैं कहां पे लिखूंगा सर, ये क्लोजिंग स्टॉक को मैं लिखूंगा मेरे ब्रांच अकाउंट में, कितना है सर 12,25,000 रुपए। बिल्कुल सही बात सर, 12,25,000।
सर फिर यहां से अब आगे बढ़ेंगे, 12,25,000 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया सर यहाँ पे, डन सर डन। ब्रांच डेटर में आइए और ब्रांच डेटर का यहाँ पे आप क्लोजिंग बैलेंस निकालिए। ये क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे कि ये कितना आ रहा है, करो कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कितना आ रहा है सभी का। तो ये आया सर 384,000 प्लस कितना 31,40,000 माइनस कितना 28,42,000 माइनस 58,000 माइनस कितना 102,000 माइनस 37,000, तो ये हो गया 485,000। ठीक है, आया सभी का 485,000। ये ब्रांच डेटर्स का बैलेंस आया 485, इसको भी ऊपर लिख देंगे ब्रांच डेटर्स 485,000। और सर इसके बाद फिर क्या चीज है, इसके बाद सर फिर फाइनल चीज मेरी अब क्या आती है, ब्रांच कैश। अब ब्रांच कैश में देखो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों है। मुझे यहाँ पे क्या ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस निकालना था क्या? नहीं, मुझे यहाँ पे निकालना था एक फिगर जो मेरे ब्रांच अकाउंट में सर ऊपर मिसिंग था। कौन सा फिगर? ये जो एक्स मैंने यहाँ पे मार्क किया था, ये क्या था? जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश रेमिट किया था, ब्रांच ने हेड ऑफिस को ये जो भी कैश रेमिट किया था वो यहां का मेरा फिगर था। उसको मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ब्रांच कैश की अगर मैं बात करता हूं तो ब्रांच कैश में मैं क्रेडिट करूंगा यहां पे कितना सर, यहां पे मैं लिखूंगा 2HO कैश, ब्रांच ने HO को इतना यहां पे रेमिट किया था। ये आएगा मेरा बैलेंसिंग फिगर कितना है, एक बार निकाल लीजिए, 10,000 प्लस आएगा 97 लाख प्लस आएगा 28,42,000 माइनस 8,42,000 माइनस 10,000, तो ये हो जाएगा सर 1,17,00,000। यहाँ आता है 1,17,00,000, 1,2,3,4,5। ठीक है सर, तो ब्रांच ने HO को जो कैश रेमिट किया था वो था 1,17,00,000। वो 1,17,00,000 को यहां से अब एक्स हटा के लिख दूंगा, 1,17,00,000 रुपए ब्रांच ने HO को रेमिट किया था। ठीक है सर, अब सर मेरे तीनों वर्किंग नोट हो चुके हैं खत्म, मेरे तीनों वर्किंग नोट खत्म हो चुके हैं, तीनों से बैलेंसिंग फिगर आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे ब्रांच अकाउंट मेरा यहां पे कंप्लीट कर दूंगा, इसका बैलेंस निकालूंगा। और सर इसका बैलेंस मेरे लिए क्या आएगा, सर इसका बैलेंस आएगा मेरे लिए नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट यहां से मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो ये निकाल लो अब कितना आ रहा है, अब ये कितना आ रहा है देख लो सभी लोग, ये बैलेंसिंग फिगर कितना है। तो सर इसकी अगर बात करता हूँ, क्रेडिट से स्टार्ट करता हूँ, 60,000 प्लस 1,17,00,000 प्लस कितना होता है, प्लस 10,000 प्लस 5,16,000 प्लस 4,85,000 प्लस 12,25,000 माइनस कितना है 10,000 माइनस 3,84,000 माइनस 9,00,000 माइनस 5,00,000 माइनस कितना है 1,10,00,000 माइनस 1,00,000 माइनस 1,00,000 माइनस 6,000, तो ये होता है 10,96,000। ये आया मेरा नेट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच। ये चीज सभी को क्लियर हुई? ठीक है, इसी के साथ ये पूरा अकाउंट मेरा यहां पे हुआ क्लोज। मजा आया सभी को? ओके एवरीबडी क्लियर विद दिस? एवरीबडी क्लियर? बिना किसी गलती के हमने ये पूरा का पूरा सॉल्व किया। सर ब्रांच के क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग किस वे होती है? स्टेप बाय स्टेप होती है, जितना सही करोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। ओके क्लास खत्म नहीं हुई है, तो ये मत सोचना क्लास खत्म, चलो 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 अब ये प्रमोशन चालू कर देगा, हम जा रहे हैं। नहीं, क्लास खत्म नहीं हुई, ठीक है। सर ब्रांच स्टॉक का जीपी एक बार, बेटा देखो सिंपल सी बात है, ब्रांच स्टॉक मैंने बनाया, मैंने ब्रांच स्टॉक से क्या चीज निकाला, मैंने ब्रांच स्टॉक से सबसे पहले निकाला सेल्स कितना है। तो सर देखो ये टोटल सेल्स थी, हाँ सर ये टोटल सेल्स माइनस ये सेल्स रिटर्न था, हाँ, तो मैंने इससे दिस माइनस दिस किया तो मेरा नेट सेल्स आ गया, हाँ सर नेट सेल्स आ गया। अब ब्रांच जो सेल्स करता था वो कितने पे करता था, ब्रांच जो सेल यहाँ पे करता था वो करता था इनवॉइस प्राइस पे, तो ये जो मेरा नेट सेल्स था ना वो इनवॉइस प्राइस के बराबर था, तो अब मेरा उस पे प्रॉफिट कितना, तो दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये मेरा एक्स आ गया 21,23,000 रुपए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये 12 ये मैंने आपको बता दिया 1,27,38,000 छवि आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया, दिस इज द सेल्स ऑफ ब्रांच,
ये इतना कैश सेल किया, ये इतना क्रेडिट सेल किया, उसमें से ब्रांच के कस्टमर्स ने ब्रांच को इतना रिटर्न कर दिया, तो ये हमारी नेट सेल आ गई। दिस माइनस दिस गिव्स मी वो 1,27,38,000 की सेल्स। ये चीज सभी के दिमाग में गया। वेरी, अरे ट्रेडिंग अकाउंट में से सेल कैसे निकालते हो? ये जो टोटल सेल है माइनस द सेल रिटर्न इज द टोटल सेल्स, इज द टोटल सेल्स। ठीक है, ओके, गया सबके दिमाग में, गया सबके दिमाग में, समझा सबको अच्छे से, समझा सबको अच्छे से। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अब जो भी हमारे पास टाइम है ना आज की क्लास में, जितना टाइम बचा है उसमें हम फॉरेन ब्रांच स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जितना टाइम बचा है उसमें मेरे को इंडिपेंडेंट ब्रांच नहीं करवाना है, उसमें फॉरेन ब्रांच आपकी स्टार्ट करवा देता हूँ। ठीक है, फॉरेन ब्रांच हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो आ जाइए सभी लोग। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या चीज, फॉरेन ब्रांच से। सर और बचाइए, अरे बेटा एग्जाम तुम्हारी है मेरी थोड़ी है, मेरे को क्या है, मैं तो छुट्टी दे दूँ, मैं तो अब भी छुट्टी दे दूँ, जाओ जी लो जिंदगी। एग्जाम किसकी, तुम्हारी की मेरी? हाँ सर हमारी, पढ़ना तो तुमने है ही, ऐसा तो नहीं है कि अभी छुट्टी दे दिया तो माँ कसम सर आपको क्या पता क्या पढ़ाई करने वाले हम छुट्टी मिलने के बाद, छुट्टी भी मिल जाए तो पढ़ाई करने वाले हो, तो इसलिए पढ़ लो यहाँ पे। सर स्क्रीनशॉट लेने दो, अरे नलायक को जब पढ़ाता हूँ तब लिख लिया करो, स्क्रीनशॉट लेने दो, नॉनसेंस। ओके वापस मेरे को पानी पीने दो। सर ये स्टॉक अकाउंट में जीपी एग्जाम में मिस हो सकता है, बेटा ये चीज याद रखना, स्टॉक मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट अगर तू कॉस्ट पे बना रहा है, जैसा तूने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट देखी है, स्टॉक अकाउंट पूरा कॉस्ट पे बनाया मैंने, इसीलिए तो सारी चीज देखना कॉस्ट कॉस्ट लिखा है, कॉस्ट पे अगर तू बना रहा है तो जीपी आएगा, इनवॉइस प्राइस पे बना रहा है तो जीपी नहीं आएगा। ठीक है सर, आई हैव लिटिल डाउट, If question says goods are valued at cost plus 20%, then what to do? To consider sale as 80? अरे नहीं, cost plus 20, तो cost is the base, base is 100, cost को 100 लेंगे 80 नहीं। अगर बोला है goods are valued at 20% on sales, तो sales को 100 लेंगे, profit को 20, और तब cost को 80 लेंगे। अगर बोला है cost plus 20, तो cost compulsorily 100 होता है। ठीक है? Okay? पानी पीने दो, पानी दा रंग देख के अखियां जो अंजूर उड़ दे, अखियां जो अंजूर उड़ दे। पहले हम लोग अगर लेक्चर से ऐसे 5 सेकंड के लिए भी गायब होते थे ना, तो हमको अनअकैडमी से पेनल्टी वेनल्टी आती थी, बोले तुम लेक्चर के बीच में गायब हो गए लेक्चर से। अरे उनको कौन समझाए मूर्ख लोग, वो उनके ऑडिटर आते थे तब, उनकी एक ऑडिट की टीम थी पूरी, जो ऐसे फुकट फाकट कुछ भी, उनको बस पॉइंट्स दे दिए थे कि अगर फैकल्टी गायब हुआ क्लास से तो तुरंत हमको रिपोर्ट करने का, तो वो ये देखते भी नहीं थे कि फैकल्टी गायब क्यों हुआ, बस ऐसा सीधा रेज हो जाती थी पेनल्टी। फिर हम लोग बोलते थे अरे ये पागल है तुम्हारे ऑडिटर, सीए की क्लास को ऑडिट करेंगे ये लोग। अब मेरे ख्याल से हटा दिए उन्होंने ऑडिट टीम को। क्योंकि अब ये सारी चीजों के लिए मेल वेल आने बंद हो गए। ये सारी चीजों के मेल ही आने बंद हो गए। सर लेट नाइट टेक लाइव पढ़ाए तो मजा आ जाए, वरना अकेले पढ़ने में नींद आती है। हाँ बेटा क्या है ना रिद्धि जी, वो जो आप लेट नाइट लाइव लेने की बात कर रहे हो ना, मेरी ना शादी हो चुकी है, तो मेरी एक शादी हुई है तो मेरी एक बीवी भी है, तो जो एक बीवी है ना वो मेरे को देंगी बम्बू ही बम्बू, बोलेगी हाँ तो सुबह भी क्लास ले ले, 5:30 बजे उठ के 5:45 को तो स्टूडियो में चले जा, फिर लेट नाइट भी तू क्लास ले, तो बोले मैं यहाँ करी क्या रही हूँ, तू एक काम कर बेटा तेरा घर स्टूडियो में बना ले, तो स्टूडियो में बस जा, वहीं पे जो करना है कर, यहाँ तू आइच मत, यहाँ तू आइच मत। ऑडिट टीम क्राइंग इन कॉर्नर, नहीं मेरे ख्याल से ना अनअकैडमी वालों ने ऑडिट टीम वालों को हटा दिया है, हटाई दिया उनको, काम से ही हटा दिया, बोले भैया तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम पैसे ले जा रहे हो, तुमको हम पैसे वैसे दे भी रहे बट उससे कोई फायदा हो नहीं रहा है। और वैसे ही अभी जैसे एडटेक इंडस्ट्री में कैश क्रंच चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ऑडिट टीम को टाटा बाय बाय कर दिया इन्होंने।
सर मी एंड माई सिस्टर वॉचिंग लेक्चर्स ऑन टीवी. क्या बात है, शौक बड़ी चीज है, शौक बड़ी चीज है. अन अकेडमी में मेरे को कब का बोल रहा है, सर आपको वो स्मार्ट टीवी भिजवा देते, स्मार्ट बोर्ड, उस पे सर वो लिख लिख के पढ़ाना, घूमने का, लिखने का, फिर घूमने का, समझाने का, फिर लिखने का, फिर समझाने का. मैंने बोला भेज दो, मैं वो यूज तो करूंगा नहीं पढ़ाने के लिए, मैं आईपैड से ही पढ़ाऊंगा भैया, यही चपने को जमता पढ़ाने में, इसी से जब पढ़ाएंगे. क्योंकि मेरा मुद्दा सिंपल है, स्ट्रेट स्ट्रेट पढ़ाई होनी चाहिए, लिखना भी इसी डायरेक्शन में, समझाना भी इसी डायरेक्शन में, पलटो लिखो पलटो लिखो. क्या यहाँ कोर का मेरा वर्कआउट ज्यादा हो जाएगा उसमें, मेरे क्या यहाँ से साइड से ऑब्लिक्स बन जाएंगे, तो वो मेरे को चाहिए नहीं. मतलब चाहिए बट ऐसा नहीं कि क्लास के बीच में भी ऑब्लिक्स बनाओ. तो मैंने बोला तुम भेज दो, वो मैं लगवा लूंगा, उसके बाद उस पर बढ़िया टीवी वीवी नेटफ्लिक्स एंड चिल चलते रहेगा. तो ठीक है भिजवा दो, मैंने बोला भिजवा दो. क्लास तो उस पर ना हो पाए मेरे से, क्लास तो ना हो पाए वैसा है. सर ब्रांच अकाउंट्स फर्स्ट टाइम इन लेक्चर से हो जाएगा क्या? लावण्य देखो मैं आपसे ज्यादा नहीं मांगूंगा, 3 घंटे मांगूंगा. कल का लेक्चर देखना, आज का लेक्चर देखना, और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कर लेना जो कॉन्सेप्ट समझाए, उससे आपके सारी चीजें हो जाएंगी, सारी चीजें हो जाएंगी. ब्रिजेश सोनी उसमें गर्मी बहुत होती है. अरे गर्मी, अरे बेसिकली लाइटा इतनी डाल देते ना, लाइटा बहुत डाल देते तो एसी लगता है. वैसे मैं आपको बताऊं तो मेरे इतने छोटे से स्टूडियो में 2-2 एसी है, क्योंकि लाइटें बहुत होती है, तो गर्मी तो होगी. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं अब फॉरेन ब्रांच से. फॉरेन ब्रांच की बात की जाए तो सर फॉरेन ब्रांच की जब हम बात करते हैं तो सर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा फॉरेन ब्रांच क्या है. फॉरेन ब्रांच एक ऐसा ब्रांच है जो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है. अभी हम जैसे पढ़ रहे थे डिपेंडेंट ब्रांच, वैसा फॉरेन ब्रांच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मी फॉर अकाउंटिंग. फॉरेन ब्रांच खुद का पूरा जर्नल पूरा खुद से करता है, वो पूरी खुद की जर्नल एंट्री कर लेता है. जर्नल एंट्री करने के बाद वो क्या करता है, खुद का पूरा लेजर भी बना लेता है. वो क्या करेगा, खुद का पूरा लेजर भी बना लेगा. लेजर के बाद वो क्या करेगा, लेजर बनाने के बाद वो खुद का पूरा ट्रायल बैलेंस भी बना लेगा. बट ये जो वो ट्रायल बैलेंस बनाएगा ना, ये ट्रायल बैलेंस वो बनाएगा इन अ फॉरेन करेंसी, वो जिस कंपनी जिस कंट्री में सिचुएटेड है उस कंट्री की करेंसी में बनाएगा. और मैं जो हेड ऑफिस हूं, मैं हेड ऑफिस इंडिया में हूं. मैं हेड ऑफिस कहां पे हूं, मैं हूं इंडिया में, मैं इंडिया में सिचुएटेड हूं. आई एम द हेड ऑफिस एंड आई एम सिचुएटेड इन इंडिया. तो ये जो ट्रायल बैलेंस मुझे मिला है फॉरेन करेंसी में, मैं बोलूंगा यार फॉरेन करेंसी में तो ये यूजलेस है, क्योंकि मेरे पास अगर इंडिया में कोई चीज रुपीज में लिखी है तो यहाँ पे वो चीज डॉलर में लिखी है, पाउंड्स में लिखी है, यूरो में लिखी है. तो मैंने बोला भैया मेरे को ये क्या है, ये मेरे को नहीं समझता. ये मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो इनका ट्रायल बैलेंस है जो फॉरेन करेंसी में है, इस ट्रायल बैलेंस को मुझे करना पड़ेगा कन्वर्ट. ये ट्रायल बैलेंस जो फॉरेन करेंसी में, मैं इसको करूंगा कन्वर्ट इंटू इंडियन करेंसी, कन्वर्ट इंटू इंडियन करेंसी. ठीक है, इंडियन करेंसी में मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा. ओके ओके ओके. अब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट अगर मेरे को इसको करना है तो यहां पे काम बहुत सिंपल है. काम क्या है कि ट्रायल बैलेंस आपको पूरा तैयार दिया है, ये ट्रायल बैलेंस को आपको केवल इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है, बस बात इतनी है. मतलब सर क्या करना है, आपको एक्सचेंज रेट एक ढूंढ लेने का है. वो एक्सचेंज रेट के अनुसार डॉलर का फिगर है तो उसको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करो इंडियन रुपीज में, फिर पाउंड्स का फिगर है तो उसको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करो इंडियन करेंसी में, बस लेके आना है. अब इंडियन करेंसी में लाने के लिए, इंडियन करेंसी में लाने के लिए मैं क्या चीज करूंगा सर, सबसे पहली चीज जो मैंने यहां पे देखना है कि जो मेरी फॉरेन ब्रांच है वो क्या मेरी इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच है या फिर वो मेरी नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच है. एक होती है इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच और एक होती है मेरी नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच. ये सबसे पहले मैंने देखना है. ठीक है, तो इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल, ऐसी मेरी दो फॉरेन ब्रांचेस आती है. अब ये इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच क्या है और ये मेरी नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच क्या है. इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच जो है ना वो एक क्या है, वो मेरा एक ऐसा बेटा है, ये दोनों मेरे बच्चे हैं. ब्रांचेस मतलब क्या, हेड ऑफिस के बच्चे. तो ये मेरा एक ऐसा बच्चा है जो मेरे को क्या पूछता है, जो मेरे को पूछता है पापा यो डैड 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 व्हाट्सअप. मैंने बोला हाँ बेटा बोल.
तो इंटीग्रल वाला बच्चा मेरे को पूछता है कि पापा मेरे को जाना है बाहर आज, तो मैं जाऊं क्या? मैंने बोला जा। पापा मेरे को बाइक पे घूमना है, तो मैं जाऊं क्या? मैंने बोला जा। बोले मेरे को बाइक पे घुमाना है, तो मैं जाऊं क्या? मैंने बोला जा। बोले पापा बाइक पे घुमाऊंगा, फिर कॉफी के लिए रुकेंगे, फिर वापस घूमेंगे, तो जाओ क्या? मैंने बोला जा। बोले पापा कॉफी सीसीडी में पिलाओ या बरिस्ता में पिलाओ या स्टारबक्स में पिलाओ? मेरे को बोले, मैं बोला जा तेरी इच्छा। तो बोले स्टारबक्स महंगा है बट लेके जाओ क्या? मैंने बोला जा। फिर मैंने उसको बोला बेटा, वो फिर मेरे को और पूछा, पापा कॉफी तो जम गई और कॉफी के साथ वो भी जम गई, तो पापा बात आगे बढ़ाओ क्या? मैंने बोला बढ़ा। बोले पापा बात आगे बढ़ गई, अब वो पसंद भी आ रही है, उसको भी मैं पसंद आ रहा हूं, तो वो अपने घर पे बात करने वाली है, तो उसको हाँ बोलूँ क्या अपने घर पे बात करने? मैंने बोला कर ले। तो बोले पापा आप फिर उसके घर पे बात कर लोगे क्या? मैंने बोला कर लूंगा। तो ये जो इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच है, वो मेरा एक ऐसा बच्चा है जो अपने जीवन के सारे डिसीजन मेरे से पूछ के लेता है, ठीक है, हर एक चीज वो मेरे से पूछ के लेता है। नॉन इंटीग्रल, मैं उसको पूछा कहां जा रहा, बोले आपसे मतलब। मैंने बोला इतना सज धज के क्यों है, आपसे मतलब। मैं बोला इतना बाल वाल क्यों बना के जा रहा है, बोले आपसे मतलब। मैंने बोला ये जो गॉगल पहन के जा रहा, गॉगल कब लिए, बोले आपसे मतलब। मैंने बोला मेरे को सब पता है, तू किसी को घुमाने ले जा रहा, तो ऐसा नीचे देख के एक बार ऊपर, आपसे मतलब। मैंने बोला बेटा खर्चे बहुत हो रहे तेरे, तू घुमा बहुत रहा है इधर उधर, बोला आपसे मतलब। मैंने बोला तेरा पेट्रोल का मैं बिल देखता हूँ बेटा, हर महीने का बहुत आता है, बोला आपसे मतलब। वो बोलता है पापा देखो मेरे को परेशान करने का नहीं, मेरी उम्र है घूमने की घुमाने की, मैं घूमूंगा घुमाऊंगा, चाय पीऊंगा कॉफी पिलाऊंगा। मैंने बोला ठीक है। बोले आपको क्या मतलब है कि मेरी पढ़ाई बराबर होनी चाहिए, तो लास्ट में केवल मेरा रिपोर्ट कार्ड देख लेना, वो बराबर आ जाएगा। रिपोर्ट कार्ड अगर गलत आया, मेरा रिपोर्ट कार्ड में कुछ भी कमी रही, तो मेरे को फिर आप उस दिन डांटने का, तब तक मेरे को डांटने का नहीं। तो ये जो बच्चा है मेरा, ये ऐसा बच्चा है जो मेरे से बिना पूछे अपने लाइफ के डिसीजन लेता है, ठीक है, ये अपने सारे डिसीजन मेरे से बिना पूछे लेता है। ये क्या है, ये काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस से चलता है, ये बहुत डिपेंडेंस से नहीं चलता। वो हर एक चीज के लिए मेरे से पूछ के करता था। इंटीग्रल एक ऐसा बच्चा है जो हर एक चीज मेरे से पूछ के करता है। नॉन इंटीग्रल एक ऐसा बच्चा है जो कोई भी चीज मेरे से पूछ के नहीं करता है। ये केवल बोलता है मेरे फाइनल रिजल्ट से मतलब रखो ना, तुमको मेरे रिजल्ट से मतलब है, मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं, मेरा एक एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहा हूँ कि नहीं। और वो क्या है, पापा से डेली रूटीन, पापा मैं परचेज किससे करूँ, मैं सेल किसको करूँ, परचेज किस प्राइस पे करूँ, सेल किसको करूँ, कस्टमर कौन है, मैं क्या क्वालिटी के गुड्स परचेज करूं। तो ये वाली ब्रांच ना हर एक चीज मेरे से पूछ के करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है। ये जो है क्या मेरे से हर एक चीज पूछ के करता है? मैंने बोला नहीं 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 नहीं, नहीं। ये हर एक चीज अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है, किससे परचेस करना, कितने में करना, किसको सेल करना, कितने में करना, कितने इंप्लॉइज रखना, कैसा ऑपरेशन रहेगा, मैनुअल रहेगा कि ये मशीन ओरिएंटेड काम होगा, हर एक डिसीजन ये खुद से लेता है। ये जो मेरी ब्रांच है, इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है, इसमें मेरा पैसा लगा हुआ है, बट ये केवल यहां पे मैं रिजल्ट से मतलब रखता हूं, यहां पे डेली ऑपरेशन से मतलब नहीं रखता हूं। किससे मतलब रखता हूं? केवल इसके रिजल्ट से। वहां पे मैं हर एक चीज से मतलब रखता हूं। तो ये समझा सबको इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच का डिफरेंस? यस सर। अब बोलते हैं कि अगर आपको नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच को कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीस में, तो इनका ट्रायल बैलेंस उठाओ। ठीक है सर, इनका मैंने क्या उठाया? ट्रायल बैलेंस उठाया नॉन इंटीग्रल का। नॉन इंटीग्रल का अगर मैं ट्रायल बैलेंस उठाता हूं, तो इनके ट्रायल बैलेंस में क्या क्या चीजें रहती है? सर इनके ट्रायल बैलेंस में रहते हैं असेट्स, इनके ट्रायल बैलेंस में रहती है लाइबिलिटीज, इनके ट्रायल बैलेंस में रहती है इनकम्स, और इसमें रहता है एक्सपेंसेस। इसमें रहेगा इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, ऐसी चार चीजें इसमें रहेगी। ठीक है, तो क्या क्या रहेगा? असेट्स रहेगा, लाइबिलिटी रहेगा, इनकम रहेगा, एक्सपेंसेस रहेगा। कोई भी ट्रायल बैलेंस में यही चीज रहेगी ना मेरी? हाँ भैया, कोई भी ट्रायल बैलेंस में मेरे पास ये एक दो तीन चार, गणपति जी की जय जयकार, ऐसी चार चीज रहेगी। तो कोई भी ट्रायल बैलेंस में अगर मेरी ये चार चीज रहती है, तो उसमें मैं क्या करता हूं? इसमें सर देखिए क्या चीज है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि सर ये जो मेरा फॉरेन ब्रांच है, ये फॉरेन ब्रांच का मेरे को फाइनल रिजल्ट से मतलब है, ये जो मेरा बच्चा था इसके फाइनल रिजल्ट से मतलब था। तो बोले इसके असेट्स एंड लाइबिलिटीज जो डॉलर में दिए है ना आपको, असेट्स एंड लाइबिलिटीज जो डॉलर में दिए,
इसको रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए आप रुपीस में इसको कब कन्वर्ट करोगे सर? ट्रायल बैलेंस कौन से दिन पे बनता है? तो ट्रायल बैलेंस हमारा बनता है सर 31 दिन को, है ना? ट्रायल बैलेंस कब बनता है सर? ये बनता है मेरा 31 दिन को। तो मेरे को इसको रुपीस में भी कब कन्वर्ट करना है? 31 दिन। और मेरे को कैसे मतलब है इसके फाइनल रिजल्ट से, मतलब 31 दिन को इसकी क्या वैल्यू है वो चीज से मतलब है। तो बोलते हैं इसके लिए क्या करने का, आपने इसके लिए 31 दिन का एक्सचेंज रेट लेने का, जिसको ये लोग प्यार से यहाँ पे क्या नाम देते हैं, जिसको ये लोग प्यार से यहाँ पे नाम देते हैं क्या, इसको ऐसा पूरा नीचे लेके आता हूं, इसको लिखता हूं क्लोजिंग रेट। बोले असेट्स एंड लाइबिलिटीज को डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्लोजिंग रेट लेने का, मतलब 31 दिन का रेट लेने का। कब का रेट? 31 दिन का रेट। और बोलते इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को डॉलर से रुपीज में आपको कन्वर्ट करना है ना। तो सर अब देखो इनकम की बात करते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो सर ये क्या साल में एक ही बार होती है क्या? नहीं सर, मल्टीपल टाइम्स होती है एक्सपेंसेस, सैलरी साल में मल्टीपल टाइम। वो यूएस में काम करना है, उसने एटलीस्ट 12 बार सैलरी पे किया हर महीने के अंत में, उसने परचेज 100 बार किया, सेल 200 बार किया, तो सर हर बार उसने जब परचेज किया, हर बार उसने जब सेल किया, तो हर एक दिन का एक्सचेंज रेट अलग अलग होगा। बट सर ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में जब एक्सपेंसेस में दिख रहा होगा परचेज, एक्सपेंसेस में दिख रहा होगा सैलरी, तो इसका एक ही फिगर दिख रहा होगा। हाँ सर, इसका हमें ये एक्सपेंसेस में जो परचेज है, सैलरी है, उसका एक ही फिगर दिख रहा होगा। पर वो एक फिगर जो आया है वो साल में मल्टीपल टाइम ट्रांजैक्शंस हुआ उसका टोटल आया है। यस सर। तो अब ये एक फिगर जो परचेज है उसको सर डॉलर में रुपीस, डॉलर से रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए मैं कौन सा एक्सचेंज रेट लू? तो ये लोग बोलते हैं कि इसको एक्सपेंसेस एंड इनकम को डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए आप यहां पर लेंगे एवरेज रेट। यहां पे क्या लेने का? आपने एवरेज रेट लेने का। ये चीज सभी को क्लियर? यहां पे आप क्या लोगे? एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होता है मेरा? एवरेज रेट इज ओपनिंग रेट प्लस क्लोजिंग रेट डिवाइडेड बाय ओपनिंग रेट प्लस क्लोजिंग रेट डिवाइडेड बाय 2। साल के शुरुआत का रेट, साल के अंत का रेट डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया मेरा एवरेज रेट। तो अब बोलते हैं असेट्स एंड लाइबिलिटीज को कैसे कन्वर्ट करोगे क्लोजिंग रेट पे, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को कैसे कन्वर्ट करोगे एवरेज रेट पे। ये इससे क्या हो जाएगा? आपका पूरा ट्रायल बैलेंस अब रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ सर, अब वो रुपीस के ट्रायल बैलेंस को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेने का, वो रुपीस के ट्रायल बैलेंस को क्या करने का? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेने का। बात अगर मैं करूं इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच की, इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच की जब मैं बात करता हूं तो इसके लिए क्या बोलते हैं? इसका वापस ट्रायल बैलेंस में चार चीज आएगी। हाँ सर, इसकी भी ट्रायल बैलेंस में आती है चार चीज। कौन सी? असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। बिल्कुल सही बात सर। तो इसके भी तो ट्रायल बैलेंस में सर वैसी चार चीज आएंगी। बोलते इसके इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को तो आप सेम तरीके से कन्वर्ट करोगे जैसा अभी हमने आपको बताया, जो क्या था? एवरेज रेट। इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के लिए आप एवरेज रेट ही लगाओगे, ठीक है? ओपनिंग रेट प्लस क्लोजिंग रेट डिवाइडेड बाय 2, बस यही आपने करना है। बट इसके असेट्स एंड लाइबिलिटीज को सबसे पहले आपने क्या करना है? असेट्स एंड लाइबिलिटीज को आपने दो हिस्सों में तोड़ना है। कौन से दो हिस्सों में? इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड करोगे। एक होता है मॉनिटरी असेट्स, एक होता है हमारा मॉनिटरी असेट्स, और एक होता है हमारा नॉन मॉनिटरी असेट्स। नॉन मॉनिटरी आइटम्स बोलना चाहिए। एक होता है मॉनिटरी आइटम्स जिसमें असेट्स लाइबिलिटीज दोनों आते हैं, और एक होता है नॉन मॉनिटरी आइटम्स जिसमें अगेन मेरे असेट्स और लाइबिलिटीज दोनों आते हैं। ये एक हो गया, ये दो हो गया। अब सर व्हाट इज मॉनिटरी एंड व्हाट इज नॉन मॉनिटरी, ये चीज हम समझ लेते हैं। व्हाट इज मॉनिटरी आइटम एंड व्हाट इज नॉन मॉनिटरी आइटम। तो चलिए आते हैं कि मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी आइटम्स होते क्या है। मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी आइटम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर ये चीज हमारा क्या होता है, ये चीज क्या होता है बताइए हमें। तो जब मैं आपके साथ बात करता हूं मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी आइटम्स की, तो उसमें सबसे पहले मॉनिटरी की बात करते हैं। मॉनिटरी के लिए ये लोग कहते हैं क्या चीज होता है सर? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर आता है इसमें असेट्स रिसीवेबल इन मनी,
असेट्स रिसीवेबल इन मनी और लाइबिलिटीज पेएबल इन मनी. इसमें और एक शब्द आता है फिक्स्ड एंड डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी, बट वो ठीक है, वो जाने दो, उसका इतना अभी इंपॉर्टेंस नहीं है. लाइबिलिटी पेएबल इन मनी, ये आता है सर डेफिनेशन किसका? मॉनिटरी का. ये किसका डेफिनेशन आता है सर? मॉनिटरी का. तो जब मैं मॉनिटरी की बात करता हूं तो मॉनिटरी में अब देखो क्या है सर, साथ में नॉन मॉनिटरी का भी एक बार बता दो. नॉन मॉनिटरी का डेफिनेशन क्या है? आइटम्स दैट आर नॉट मॉनिटरी आर नॉन मॉनिटरी. वाह, आइटम्स दैट आर नॉट मॉनिटरी आर नॉन मॉनिटरी. वाओ सर वाओ. अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. बस वैसी बात है सर. जबरदस्त सर, टू गुड सर. ये तो ऐसी बात होगी कि अरे 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 वाह सर वाह 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 वाह, क्या चीज है सर, क्या चीज है. तो हमने सर बेसिकली क्या समझना है? हमने समझना है मॉनिटरी. मॉनिटरी अगर हमने समझ लिया तो सर नॉन मॉनिटरी तो ऐसे ही समझ लेंगे. नॉन मॉनिटरी हम क्या करेंगे? ऐसे ही समझ लेंगे. सबसे पहले शाउट आउट टू ऑल द 160 स्टूडेंट्स जो अभी भी यहाँ पे बैठे हैं. हमारी क्लास को हो गए हैं अब 2 घंटे. 2 घंटे हमारी क्लास को हो गए और आप लोग अभी भी यहाँ पे बैठे हो, तो आप लोग को ह्यूज शाउट आउट, क्योंकि आपका ये जो अभी सैक्रिफाइस चल रहा है, आपका ये जो अभी बलिदान चल रहा है, आप ये जो अभी जो दुनिया आईपीएल वगैरह देख रही है, जो दुनिया टाइम पास कर रही है, जो लोग स्टार्टिंग में आए बट फिर उठ के चले गए, बोले अब कमर दुख गई, अब पैर दुख गया, अब हाथ दुख गए, अब ये दुख गए, पर आप लोग अभी भी बैठे हो, आप लोग को शाउट आउट. क्योंकि आप लोग जो यहाँ पे बैठे हो ना, ये जो एक आप अब अनकंफर्टेबल हो रहे हो पढ़ते पढ़ते, बैठते बैठते थोड़ी पीठ हिलानी पड़ रही है, थोड़ा ध्यान टूट रहा है, फिर भी लगे हुए हो, दिस इज व्हाट विल टर्न योर रिजल्ट इनटू पास. यही वो मेहनत है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी, जो आपको सक्सीड करवाएगी. ठीक है, मैं भी यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, मेरे को भी थोड़ा अब ऐसा होता है डिस्कम्फर्ट पिछले 15 मिनट से, पिछले 20 मिनट से, बट मेरे को भी सक्सेस क्या दिलाएंगी? यही चीज़ है जो हमको भी सक्सेस दिलाएगी. तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं सबको सबसे पहले ह्यूज 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 शाउट आउट. ठीक है, ह्यूज शाउट आउट. चलो चलो चलो, तो यहाँ पे और यही हमने पूरा अभी एग्जाम तक, अभी 1 महीना देखो, अकाउंट्स अब हमने 1 महीना भी नहीं पढ़ना है आज से अगर देखे तो. ठीक है, 1 महीने से कम पढ़ना है, तो हमने इस पे पूरी जी जान लगा देना है, पूरी जी जान लगा देना है. तो आइए मॉनिटरी का मीनिंग समझते हैं. व्हाट इज मॉनिटरी? आ जाइए मॉनिटरी पे. तो सर अब देखिए, अब मॉनिटरी का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा मॉनिटरी का. डेटर सर, डेटर क्या है? डेटर ये एक मेरा असेट है. ये यहां पे देखो, ये जो है ना रामू, ये रामू है मेरा डेटर. ठीक है सर, रामू है आपका डेटर. ये रामू को क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं रामू को ऐसा बोल सकता हूं कि रामू मेरे भाई, सुन 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 सुन, रामू मेरे भाई सुन, तू मेरे को पैसा दे, 1 लाख रुपए मैंने तेरे से यहां पे लेना है. रामू मैंने तेरे से 1 लाख रुपए लेना है. तो रामू की कॉलर पकड़ के क्या मैं रामू को बोल सकता हूं, बेटा 1 लाख रुपए निकाल? हाँ सर, आप रामू को बोल सकते हो कि 1 लाख रुपए निकाल रामू, 1 लाख रुपए निकाल. क्यों? क्योंकि रामू से आपने पैसा लेना है, तो रामू से रिसीवेबल है मनी, रामू से रिसीवेबल मनी है. उसकी कॉलर पकड़ के उससे पैसा आप 1 लाख रुपए ले सकते हो. तो मैं रामू को यहां पे बोलूंगा ये मेरा क्या है, दिस इज अ मॉनिटरी आइटम. ये क्या है मेरे लिए? मॉनिटरी आइटम. वैसे ही अगर मैं क्रेडिटर की बात करूं, तो रामू की जगह अगर हो गया श्यामू, तो ये श्यामू अब क्या करेगा? श्यामू मेरी कॉलर पकड़ के मेरे को बोलेगा, भाई तू 1 लाख रुपए निकाल, तूने मेरे को 1 लाख रुपए देना है. तो यहां पे ये मेरे लिए क्या हो गया, ये जो श्यामू था, दिस इज पेबल इन मनी. श्यामू को मैंने 1 लाख रुपए पे करना है. तो अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज अ मॉनिटरी आइटम. अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज अ मॉनिटरी आइटम. तो ये चीज सभी को क्लियर. रामू मेरे लिए क्या है? रामू जो डेटर था, रिसीवेबल इन मनी, तो मॉनिटरी आइटम. श्यामू जो क्रेडिटर है, पेएबल इन मनी, तो मॉनिटरी आइटम. अब मैं अगर आपको बोलूं स्टॉक, सर स्टॉक क्या है? अब ये देखो, यहां पे मैंने लगाया अपना स्टॉक, ये है मेरा स्टॉक ऑफ गुड्स. ठीक है, ये है सर आपका क्या चीज, दिस इज योर स्टॉक ऑफ गुड्स. अब ये जो मेरा स्टॉक ऑफ गुड्स है, ये स्टॉक ऑफ गुड्स की जब मैं बात करता हूं, तो ये स्टॉक को क्या मैं बोल सकता हूं, ए स्टॉक पैसा दे.
मैं रामू को बोल सकता था रामू पैसा दे पैसा दे पैसा दे, इससे रिसीवेबल इन मनी था। बट क्या मैं स्टॉक को बोल सकता हूं स्टॉक पैसा दे? स्टॉक बोलेगा भैया मेरे को बेच दे। हाँ सर, तो स्टॉक को बेच दो, बेच के पैसा आ जाएगा। बेटा स्टॉक को बेच दिया तो स्टॉक तो मेरा असेट ही नहीं रहा ना। स्टॉक जब असेट है तब क्या उससे पैसा मेरे को आ सकता है? तब क्या उससे रिसीवेबल इन मनी है? नहीं सर, इससे रिसीवेबल इन मनी नहीं है, तो ये मेरा नॉन मॉनिटरी आइटम में आएगा। ठीक है, ये क्या है? इससे सर रिसीवेबल इन मनी नहीं है तो ये नॉन मॉनिटरी आइटम में आएगा। ठीक है, स्टॉक के बाद मैं अगर यहां पे बात करता हूं, स्टॉक के बाद लैंड, तो क्या मैं लैंड को भी बोल सकता हूं? क्या लैंड से क्या मेरा कोई रिसीवेबल इन मनी है? क्या मैंने यहां पे बना लिया मेरा लैंड? ठीक है सर, आपने यहां पे लैंड बना लिया, ये लैंड से क्या मैं लैंड को बोल सकता हूं लैंड पैसे निकाल, जमीन खोद पैसा निकाल? नहीं 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 नहीं, लैंड से भी रिसीवेबल इन मनी नहीं है, असेट है। बट क्या ये असेट से रिसीवेबल इन? सर बेच दो। अरे बेच दिया तो लैंड असेट बचेगा ही नहीं ना, तो जब ये असेट है तब क्या इससे रिसीवेबल इन मनी है? आंसर इज नो। सर एक काम करो, रेंट पे डाल दो ये लैंड को, आप रेंट पे दे दो। किसको? पप्पू को। ये देखो आप पप्पू को रेंट पे दिया, तो सर अब तो लैंड से पैसा आएगा ना रिसीवेबल? बेटा लैंड से नहीं आएगा, पप्पू से आएगा। पप्पू एक असेट बन जाएगा जो रिसीवेबल इन मनी है, ये मॉनिटरी रहेगा। बट लैंड से पैसा आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, लैंड से पैसा नहीं आएगा तो लैंड भी क्या हो जाएगा? नॉन मॉनिटरी। दिस इज ऑल्सो वॉट? नॉन मॉनिटरी। वैसे मैं आपको अगर बोलू डिबेंचर्स मैंने इशू किए, डिबेंचर्स इशूड, तो सर जब मैं डिबेंचर्स इशूड की बात करता हूं तो डिबेंचर्स इशूड मेरे लिए क्या चीज है? डिबेंचर्स इशूड सर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है। तो सर ये लाइबिलिटी के अगेंस्ट में क्या पेबल है क्या? हाँ सर, वो मेरे डिबेंचर होल्डर्स, ये 10, 15, 20, 100, 200, 1000, 10,000 डिबेंचर होल्डर्स, वो लोग आके मेरा कॉलर पकड़ के बोल सकते तेजस पैसा वापस कर हमारा, इनको पेबल इन मनी है। तो सर ये मेरे लिए मॉनिटरी आइटम हो गया, ये मॉनिटरी आइटम है। सर अगर मैं बोलूं मेरे जो डिबेंचर्स है वो क्या है? कंपल्सरीली कन्वर्टेबल, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशूड, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अगर मैं सर इसकी बात करूं, मैंने ये कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किया, तो अब ये जो 1000-10,000 डिबेंचर होल्डर्स है क्या आके मुझसे कैश मांग सकते हैं क्या? नहीं सर। क्या इनको पेबल इन मनी है क्या? नहीं सर, इनको पेबल इन मनी नहीं है, पेबल इन मनी नहीं है सर। इनको अगर मैंने कुछ देना है तो इक्विटी शेयर्स देना है, पैसा नहीं देना है। तो सर ये क्या हो जाएगा? ये नॉन मॉनिटरी हो जाएगा। सर मैंने अगर इक्विटी शेयर्स इशू किया है, इक्विटी शेयर्स इशू, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये मेरे लिए क्या होगा सर? इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या पेबल इन मनी होता है क्या? सर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने का ऑब्लिगेशन ही नहीं होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने का ऑब्लिगेशन ही नहीं होता है। तो सर अगेन ये भी क्या चीज हो जाएगी? ये भी नॉन मॉनिटरी मेरे लिए हो जाएगा। सर अगर मैं बिल्स पेबल की बात करूं, बिल्स पेबल, तो सर बिल्स पेबल बताइए सर, बिल्स पेबल मतलब लाइबिलिटी, ये जो बिल का जिसके लिए रिसीवेबल है, जो ड्रॉवर है या जो अभी होल्डर है बिल का, वो क्या आके मुझसे पैसे मांग सकता है? सर वो बिल्कुल आके मुझसे पैसे मांग सकता है, और मैंने उसको पेबल इन मनी रहेगा तो सर ये मॉनिटरी है मेरे लिए। सर वैसे ही बिल्स रिसीवेबल भी क्या है? सर बिल्स रिसीवेबल भी हमारे लिए यहाँ पे क्या चीज है? बिल्स रिसीवेबल भी हमारे लिए यहाँ पे मॉनिटरी चीज हो जाएगी, ये भी मेरे लिए क्या है? मॉनिटरी चीज है। तो यहां पे मित्रों क्या चीज है, ये मैंने आपको बताया कि मेरे लिए मॉनिटरी चीजें क्या होती है और मेरे लिए नॉन मॉनिटरी चीजें क्या होती है। हमको सिंपल ये देखना है, अगर कोई भी असेट से रिसीवेबल इन मनी होता है तो वो मॉनिटरी, कोई भी लाइबिलिटी को पेबल इन मनी होता है तो वो नॉन मॉनिटरी, तो वो क्या होता है? मॉनिटरी। और जो मॉनिटरी नहीं है वो मेरा नॉन मॉनिटरी हो जाता है। ये चीज सभी को क्लियर? ठीक है, तो अब ये लोग क्या कहते हैं कि अगर आपके असेट्स एंड लाइबिलिटीज मॉनिटरी है तो मॉनिटरी वाली चीजों को आप क्या करोगे? सर इसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्लोजिंग रेट यूज करोगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्लोजिंग रेट लेने का 31.3 का जो रेट है उसको क्लोजिंग रेट बोलते हैं, तो वो क्लोजिंग रेट लेने का। और जो आपकी नॉन मॉनिटरी वाली चीज है उसको फर्दर अब दो हिस्सों में तोड़ने का, एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली चीज है,
ऐसी नॉन मॉनेटरी चीजें जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलती है, और दूसरी आपकी होती है जिसको आप रीवैल्यू करते हो। सर मतलब क्या? हिस्टोरिकल कॉस्ट का एग्जांपल दू तो होता है लैंड बिल्डिंग। सर ये नॉन मॉनेटरी है? हाँ सर। क्यों? इससे क्या पैसे रिसीवेबल थे? नहीं। तो सर ये जो लैंड बिल्डिंग है ये मेरा नॉन मॉनेटरी हो गया? हाँ। और ये क्या मेरी बुक्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलते रहते हैं? हाँ सर। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली चीजें हो गई। इसको बोलते हैं कि आपने लैंड 5 साल पहले खरीदी थी, 5 साल पहले के अमाउंट पे लिख रहे हो, हाँ, तो इस पे 5 साल पहले का ही एक्सचेंज रेट लगाने का मतलब इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल रेट। हिस्टोरिकल रेट, हिस्टोरिकल रेट को ये लोग एक और शब्द बोलते हैं रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये लैंड खरीदने का ट्रांजैक्शन 5 साल पहले हुआ था, तो उस दिन जो एक्सचेंज रेट था, रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, वो यूज करने का मैं उसको बोलता हूं हिस्टोरिकल रेट। हिस्टोरिकल रेट। और रीवैल्यू का मैं अगर एग्जाम्पल दू तो स्टॉक, स्टॉक को हम यहां पे वैल्यू करते कॉस्ट और एनआरवी, व्हिचएवर इज लोअर। तो उसका जो भी दिन आप रीवैल्यूएशन कर रहे हो उस दिन का एक्सचेंज रेट, इसके लिए बोलते हैं एक्सचेंज रेट ऑन डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। एक्सचेंज रेट ऑन डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, ऑन डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। ये चीज सभी को क्लियर? एक्सचेंज रेट ऑन डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। तो यहां पे असेट्स एंड लाइबिलिटीज को हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं। हम यहां पे असेट्स एंड लाइबिलिटीज को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, एक मॉनिटरी एक नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी वाली जो है उसको क्लोजिंग रेट पे लेने का, नॉन मॉनिटरी को फिर दो हिस्सों में तोड़ने का, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली है उसको हिस्टोरिकल रेट, और जिसको रीवैल्यू कर रहे हो जिस दिन रीवैल्यू किए उस दिन का एक्सचेंज रेट। सिंपल सी बात, हिस्टोरिकल वाली को हिस्टोरिकल रेट, इसको जिस दिन रीवैल्यू किए उस दिन का एक्सचेंज रेट। ये चीज सभी को क्लियर? फिक्स्ड असेट इज आर नॉन मॉनिटरी। बेटा इंडिविजुअल असेट बाय असेट जाने का उस हिसाब से बोलने का, इंडिविजुअली असेट बाय असेट जाने का उस हिसाब से बोलने का। ओके ओके चलो, तो ये चीज समझा सभी को, ये चीज सभी को समझा, क्रिस्टल क्लैरिटी से सभी के दिमाग में गया, ठीक है? तो चलिए अब इस पे क्वेश्चंस कब करेंगे? फॉरेन ब्रांच के क्वेश्चंस हम करेंगे इन टुमारोज क्लास, इन टुमारोज क्लास, दैट इज लेक्चर नंबर 3। कौन सी तारीख? 5 अप्रैल 5/4/23 को इसके क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद जो हमारा इंडिपेंडेंट ब्रांच है वो भी हम कल की क्लास में कर लेंगे। ये क्वेश्चन के साथ इंडिपेंडेंट ब्रांच भी कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है? तो इसके लिए कल की क्लास वापस 7 PM को हमारी रहेंगी, 7 PM को हमारी कल की क्लास रहेंगी, ठीक है? तो कल की क्लास में सभी लोग आ जाना, और जाने के पहले सभी लोग क्या बोलेंगे? टन टना टन टन टारा तेजस सर सब समझ आ रहा, टन टना टन टन टारा तेजस टन तारा रारा टन टना टन टन टारा तेजस सर मजा आ रहा। आज की क्लास में जितना भी पढ़े हैं सभी लोग उसको घर पे रिवाइज करके जरूर आएंगे। मिलेंगे सबसे कल की क्लास में, कल की क्लास अगेन इंपॉर्टेंट रहेगी, तो कोई भी मिस मत करना, क्योंकि कल की क्लास आपने अटेंड कर लिया तो ब्रांच अकाउंट्स का आपका सारा चीज यहाँ पे कवर हो जाएगा, सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी। ओके चलिए, तो इसी के साथ अब ये मैं यहाँ पे रखता हूँ आप सबके लिए, ठीक है? मुंबई वाले ये पहले तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। मुंबई वालों आप लोग का मैराथन है 8th and 9th को, तो 8th and 9th के लिए सभी लोग तैयार हो जाइए। 8th and 9th का आपका मैराथन है, रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे आपको रोज कम्युनिटी पोस्ट में डाला जा रहा है, उसके रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाइए और आपका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट चीज उसके साथ और क्या है? उसके साथ ये स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ये स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लो, आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट अभी तक। ओके, और मिनी मैराथन हमारा कल खत्म हो जाएगा ब्रांच, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी सभी लोग आ जाना, कोई भी मिस मत करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके चलिए, तो इसी के साथ आज के सेशन को यहाँ पे हम करते हैं एंड। थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के सेशन में। हमारा मुंबई के मैराथन का पोस्टर ये आप सबके सामने, ये रहा मुंबई मैराथन का ये पोस्टर है, 8 और 9 को है, ये हमारा टाइमिंग है, टाइमिंग सभी लोग नोट कर लेना। और उसके बाद कहाँ पर होगा? पर्ल प्लाजा में होगा, अंधेरी वेस्ट में है। अंधेरी वेस्ट के ये स्टेशन से निकलते हो तो तुरंत के तुरंत विदिन 100 meters आपको ये मिल जाता है। लोकेशन सभी लोग डाल देना, वो स्कैन कर लो तो लोकेशन भी आपको मिल जाएगा। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रिवाइज सभी लोग कर लेना, रिवाइज सभी लोग कर लेना जो आज पढ़ा है। मिलते हैं कल की क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।